वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दिगवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ बराहपीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवास कनक कपिशयम् वैजयन्ती च मालम् रन्ध्रान वेणुरधर सुधया पुरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यम् स्वपद रमणम् प्राविशस्तद गीतकीर्ति राधा करावचित वल्लभ वल्लरीके राधा पदांक विलस मधुर स्थलीके राधांज समुखं खंगांग बलीके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे धत्या विहीन अपराध लक्षय इक्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासि हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट जुग्म सुमतीर रघुनाथ दास श्रीजीव मिकुरुत मंद मतीर दयांगरा तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह का तर आजु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं जथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी और मधुर मधुर लीलाओं को हम श्रवण कर रहे थे कि जिस समय भगवान ग्वाल बालों को लेकर के यमुना किनारा में भोजन कर रहे थे ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को समझ नहीं सके, इसलिए जिसके लिए कहते हैं मुह्यंति जत सुरय
प्रभु के ऐसे लीलाएं हैं जिनकी लीलाओं को बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं सके। अभी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये कैसे भगवान हैं जो कि सबका झूठन खा रहा है, इसलिए उन्होंने कृष्ण के बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी करके एक गुफाओं में उन्होंने रख दिया। लेकिन रख करके जब उन्होंने ब्रह्मा लोक में पहुंचे, पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए। और ब्रह्मा लोक में जो दरबान थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपियों को घूमते हुए, अगर कोई मेरे जैसे आए तो उसको घुसने मत देना। कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन को दखल कर लिए। जब ब्रह्मा तो पता है कुछ गड़बड़ी हमने करके गए कृष्ण के बछड़े और सखा को उन्होंने चुराए, जब उन्होंने ब्रह्मा लोक में गए उनका जो दरबान थे ब्रह्मा जी को तो दंड लेते थे भगाए उसको, बोले तुम कहां से आ गए, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा जी सोचे ये मेरे आसन को कौन दखल किया, उन्हें ध्यान लगा कर देखे कि जो भगवान कृष्ण ही स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी गद्दी पर बैठ गए। फिर तो ब्रह्मा गए और आए और इसी मरते जगत में हो गया एक साल। एक साल पहले कृष्ण जैसे सखाओं को लेकर के बछड़ों को लेकर के लीला कर रहे थे अभी भी कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं। इसको देख करके फिर ब्रह्मा जी फिर चकराए, बोले उनको तो लेकर के मैंने एक गुफा में बंद करके रखा, कृष्ण क्या पुनः उनको ले आए। फिर वहां पर देखो वैसे वैसे ही ब्रह्मा का चार सर है, एक साथ में उन्होंने इधर दो सर और इधर दो सर करके जब देखा भगवान दिखा ये देखो ये बछड़े सखा कौन है, ये और कोई नहीं मैं ही स्वयं बना हूं। उनने देखा सबके सब चतुर्भुज नारायण, सबके सब चतुर्भुज नारायण। फिर ब्रह्मा समझ गए बोले एक नारायण की नाभि कमल से तो मेरा सृष्टि है और यहाँ पर तो अनंत करुण यहाँ पर नारायण है। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी की पिताजी की ये पिताजी है। इसलिए ब्रह्मा जी एक सुंदर श्लोक बोलते हैं, आप लोग देखो बड़े सुंदर श्लोक है, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। बोले ये कृष्ण कौन है, बोले ये ईश्वर है। बोले ईश्वर मतलब क्या होता है, बोले अघटन घटन पटेय से जिनके लीला है अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सक्यते सब ईश्वर, जो है को नहीं नहीं को जो है कर सकते हैं, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं और जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण जब गुरुकुल में गए थे जब उन्होंने 64 दिनों में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन की, शांति मुनि समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कोई सीए करता है कोई इंजीनियरिंग करता है देखना जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते एक सब्जेक्ट वो खत्म नहीं कर पाता है। जगत में जितने विद्या है वो सबके सब 64 विद्या है 64 कला है, लेकिन ठाकुर जी 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन किया है, बोले ये कोई इंसान नहीं लगता है ये भगवान है। तो अपना पत्नी को बोले देखो हम इनको परीक्षा करके देखेंगे, बोले कैसे, बोले जब ये गुरु दक्षिणा दे करके जाएंगे हम ऐसे एक चीज की मांग करें जो भगवान के सिवाय ये काम जो कर नहीं सकते, मरे हुए व्यक्ति तो कोई वापस ला ही नहीं सकते हैं, हम मरे हुए पुत्रों को ही हम वापस लाने के लिए बताएंगे। और उन्हें गए सचमुच से गए ठाकुर जी कहां, उन्होंने गए जम महाराज के पास में, शंख जब बजाए जम महाराज भी थर 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 कांपते कांपते आए, लगता है मेरा नंबर आ गया, क्योंकि कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं ब्रह्मा इंद्र चंद्र सभी का घमंड उन्होंने खत्म कर दिए। इसलिए बोले ठाकुर जी क्या सेवा करें, बोले मेरे गुरु पुत्र को मेरे को वापस दो, उनने मरे हुए बच्चे को उन्हें वापस लेकर जाए। जब माता देवती देवकी को ये बात पता चला बोले बेटा मेरा भी 6-6 बच्चों को कंस ने मार डाला है, मेरे भी इच्छा है अपना बच्चों को देखने का। भगवान फिर क्या किया, उन्हें 6 बच्चों को मरे हुए बच्चों को भगवान ने वापस लाए। द्वारका में एक ब्राह्मण थे,
जिनकी बच्चा जन्म होते ही सबके सब मर जाते थे। एक समय जहाँ पर अर्जुन बैठा हुआ स्वयं बलदेव प्रभु कृष्ण शंकर सन प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके सब बैठे हुए, जब ब्राह्मण का बच्चा ने शरीर छोड़ दिया वो ब्राह्मण मरे हुए बच्चों को लाकर कृष्ण के सामने पटक दिया, बोले तू अन्ना ही हो क्योंकि राजा का पाप को प्रजा भोग करते हैं, तुम जैसे राजा रहते हुए मेरे बच्चे अब शरीर कैसे छोड़ता है, बोले तुम्हारी अधर्म के कारण। लेकिन वहां पर अर्जुन भी बैठा हुआ था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की इस बार जरूर तेरे बच्चों को मैं बचाऊंगा। ब्राह्मण बोले तू हिजड़े क्या बचाओगे, जहां पर स्वयं कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु स्वयं प्रद्युम्न अनिरुद्ध शंकर सन बैठे हुए, जब इसने रखिया नहीं कर पाए तुम क्या रखिया करोगे, बोले मैं कृष्णा नहीं बलराम नहीं मैं अनिरुद्ध प्रद्युम्न में नहीं मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ, अगर इसी बार मैंने तुम्हारी बच्चे को रखिया नहीं कर पाया तो सास शरीर में मैं अग्नि में अपने आप को आहुति दे दूंगा। बोले केवल मेरे को जब बच्चा जन्म हो उसी समय में केवल मेरे को सूचित कर देना। और इतने में जब बच्चे का जन्म होने का समय आए उन्होंने अर्जुन को उन्होंने बुलाए, इतने में अर्जुन ने ऐसे बाण मारे सूती का गृह को ऐसे उन्होंने बंद कर दिया हवा तक भी अंदर में जा नहीं सकते। इस बार जब बच्चा जन्म हुआ रोने का आवाज तो आई लेकिन पूरा सा शरीर गायब, हर बार तो शरीर रहता था इस बार तो शरीर समेत गायब। इतने में अर्जुन वहां पर ध्यान लगाकर देखा भूर भुव मोह जन तप सत्य अतल वितल तलातल पातल सब लोग में गए कि बच्चा कहाँ है, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। ब्राह्मण तो अर्जुन को ऐसे गाली निकाला, बोले हिजड़े तेरे को मैं पहले बता रहा था जहां पर कृष्ण बलराम रखिया नहीं कर पाते तुम रखिया करो कैसे। इतने में अर्जुन जब अग्नि में अपना शरीर को विसर्जन देने के लिए गए कृष्ण बोले मेरे साथ में आओ, और उनका साथ में लेकर कहां गए भगवान विष्णु के पास में गए, और वहां पर भगवान बोले कृष्ण तुम्हारी रूप इतने सुंदर है ये रूप को देखने के लिए मैंने बच्चों को लाया है, ले ये सारे बच्चों को तुम लेकर के जाओ। इसलिए ईश्वर कहते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं, जो दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं। महाभारत युद्ध देखे होंगे जिस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को वध करूंगा सूर्यास्त से पहले, कृष्ण ने देखा तो सूर्यास्त से पहले तो मार नहीं सकता, भगवान क्या किया दिन को भी उन्होंने रात बना दिया है, कहते ये ईश्वर है ये ब्रह्मा जी कहते हैं। लेकिन अब ये कलयुग होने का नाते हम लोग तो शास्त्र ग्रंथ को जो कोई पढ़ते नहीं जानते नहीं, भगवान की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी कोई जादू दिखा देना थोड़ी सी कोई सिद्धाई दिखा दे बस हम सोचते हैं यही तो भगवान है। भैया अगर जादू दिखाने वाला अगर भगवान होता तो पीसी सरकार सबसे बड़ा जादूगर है तो वही तो भगवान हो जाता, इसलिए थोड़ी सी जादू दिखाने पर कोई भगवान नहीं होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में भगवान का जो डेफिनेशन दिया है देखो अच्छे तरीके से चीज को समझो, नहीं तो जिसको तिसको पीछे भगवान भगवान करके अभी हमारे भारत में सब नए 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 सब भगवान सब प्रकट हो रहे अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से सुन लो भगवान का डेफिनेशन क्या है, बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणानुभव इति गणा, ये भगवान का डेफिनेशन है कि जिसको अंदर में ये छह गुण परिपूर्ण रूप में हो उसको भगवान कहेंगे। बोले छह गुण क्या है, बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य जैसे अंबानी हमारे भारत में सबसे बड़ा पैसा वाला, केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी नहीं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जितने श्री लक्ष्मी के जो मालिक हो, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करते हैं किसकी सेवा नारायण की, के समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य वीर्य मतलब पराक्रम। आप कृष्ण कथा सुन रहे ना, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन उठाया, गिरिराज कोई गए हो कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठा, तो जिसको परिक्रमा लगाने के लिए 8-10 घंटा लग जाती है, इतने बड़े गिरिराज को भगवान कैसे उठाए, कनिष्ठ अंगुल पर ठाकुर जी ने उठाए। अभी जिसको हम भगवान कहते हैं एक 10 क्विंटल पत्थर लेकर सर पर लग दो
सारे भगवान निकल जाएगा सबके साथ। कल सुन रहे थे ना, कृष्ण ने काली हरद में कूदे, जिसको ऊपर कोई चिड़िया तक भी नहीं जा सकते थे, लेकिन भगवान काली हरद में उन्होंने कूदे, काली के सर पर नृत्य किया। अभी जिनको भगवान कहते थोड़ा मुंह में थोड़ा उनको थोड़ा जहर दे करके देखो भगवान कितने बड़े भगवान। ब्रज में तीन तीन बार अग्नि प्रज्वलित हुई, भगवान तीन तीन बार अग्नि को पान किया। अभी जिसको भगवान कहते थोड़ा मुंह में आग लगा कर देखो। इसलिए हम जो भगवान कहते हैं ना, हमें शास्त्र ग्रंथ हम पढ़ते नहीं, हम गीता भागवत रामायण वेद में कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ी सी जादू दिखा देना, किसका थोड़ी नौकरी दे दिया, किसको थोड़ा चमत्कारिता दिखा दिया, बस उसको हम भगवान बोल करके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। नहीं भैया, ये कोई भगवान नहीं, हमारे भगवान कृष्ण है, हमारे भगवान श्री राम है। बोले श्री राम लक्ष्मण की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया की, बोले श्री बांके बिहारी की। इसलिए हमें जिसको तिसको पीछे भगवान बोल कर हमें भागनी नहीं चाहिए। कहते इनका जो तीसरा ऐश्वर्य है श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता। इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं, नंद लाला तू यदि हो तो लाली, गला कट जाती गौरव की, इतने कृष्ण सुंदर जो भूषणांग भूषणांग में जो भगवान है। इसलिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझ लो। भगवान का दाढ़ी नहीं होता है, भगवान की मौज नहीं होती, ये चीज को समझो। भगवान कितने साल तक राजत्व किए, भगवान राम बता सकते हो अयोध्या में उन्होंने कितने साल राजत्व किया? 11,000 साल तक। कभी भगवान राम का दाढ़ी देखे हो? कभी भगवान की कभी मोचे देखे हो? रामायण देखे होंगे ना, भगवान अपना धाम समेत आते हैं और धाम समेत जाते हैं। आप टीवी में देखे होंगे, सबके सब अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, एक तरफ में स्नान कर रहे हैं, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप लेकर जा रहे हैं, और तीसरे तरफ से वैकुंठ से विमान आए, सब शरीर में वैकुंठ गए, पूरा अयोध्या धाम को ठाकुर जी लेकर गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए, किसको? श्री हनुमान जी को। जगत में भक्ति को प्रचार करने के लिए उन्होंने हनुमान को छोड़कर गए। भगवान कृष्ण भी जब गए, जब श्री वज्रनाभ ने जब उनको राजत्व दी गई वृंदावन की, वृंदावन सुनी कोई रही नहीं वृंदावन में, क्यों? कृष्ण सबके सब लेकर अपना धाम में चले गए सबके सब। इसलिए तीसरा उनकी ऐश्वर्य श्री है समग्र सजा ऐश्वर्य बीज से जस, जस मतलब जिनकी महिमा, केवल भारत में जिनकी महिमा नहीं, पृथ्वी में जिनकी महिमा नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड में जिनकी महिमा को गाई जाती है। ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी का समस्त ज्ञान का जो मूल है, कहती है श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बल ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। बोले कृष्ण कौन है? बोले अनादि की जो आदि की जो आदि है, ये भगवान कृष्ण है। हाँ देखो एक चीज को समझो अच्छा बढ़िया तरह से, जब ये सृष्टि भी कुछ भी नहीं था, ये हमारे तैतरीय उपनिषद कह रहा है बृहदारण्य स वै नैव रमे नैव रमते स द्वितीय मैच्छत। जब एक समय गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी कल्प वृक्षों के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए, अभी ठाकुर जी की लीला करने के लिए इच्छा हुई तो कहते रास मंडल में उनकी बाम अंग से अके दीप एक सुंदर एक उनकी नारी प्रकट हुई। कहते ये कौन है? कहते रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए इनका पहला अक्षर हो गया रा, और प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके ठाकुर जी को पूजा करने के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया राधा। और ये राधा रानी से ही अनंत जितने शक्तियां हैं, उमा रमा सत्या सची दुर्गा देवी जितने शक्ति है, सबके सब राधा रानी से प्रकट हुई। के उनका डान अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुई, जितने सारे अवतार है सब श्री बलदेव प्रभु से ही आते हैं। इनसे एक शंकर शरण हुए, इनसे तीन विष्णु हुए हैं। बोले तीन विष्णु कौन है?
बोले एक कारण दशा साई विष्णु, एक गर्भ दशा साई विष्णु और एक खिराब दशा साई विष्णु। देखो तीनों का क्या काम है। कारण दशा साई विष्णु मतलब है जब ये कारण दशा साई विष्णु उन्होंने माया को प्रति इखन करते हैं, दृष्टि डालती है, ये माया खोबित होकर के अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करती है। बोले हर ब्रह्मांड में जो नारायण एक शयन करते हैं जिनका नाम गर्भोत गोसाई, बोले जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले प्रत्येक जीव का हृदय में जो अंतर जाम रूप में जो एक नारायण है कहती है श्री खिरोत साई विष्णु है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अनाथ की जो आदि, बोले कारण गोसाई विष्णु का जो मूल कौन है, ये शंकर सन, बोले शंकर सन का मूल श्री बलदेव प्रभु और उनको जो मूल है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, ये ब्रह्मा कह रही है बात को। इसलिए ब्रह्मा जी जब पता चला ये समस्त कारणों का कारण ब्रह्मा जी, भगवान को 40 श्लोक में स्तुति किया। हम कोशिश करेंगे एक दो श्लोकों को उसको विवेचना करने के लिए जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं। बोले ज्ञानी प्रयास मधुपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरीतं भवदीयवार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तनुवांग मनोहि जे प्रायस अजीत जित अपि स्त्रैलोक्यां। कद भगवान का एक नाम है अजीत। अजीत का मतलब होता है जिसको कोई जीत नहीं सकते। फिर प्रश्न करते हैं फिर क्या जीवन में भगवान को भी पा ही नहीं सकते हैं? बोले हाँ पा सकते हैं। बोले कैसे पा सकते हैं? बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य, बोले हमारे अंदर में जितने अभिमान हैं, कहते पहले ये सारे अभिमान को त्याग दो। हम इतने पढ़ लिखे, इतने जानने वाले, इतने सीखने वाले, कहते भगवान को अगर पाना चाहते हो सारे अभिमान को पहले हमें त्याग देनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया तुम्हारी कितने सर है? तुम्हारे तो एक सर है लेकिन मेरे चार सर है। और मैं करने वाला कौन क्या हूँ? कभी विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, लेकिन मैं भी भगवान को समझने के लिए गया था, वो भगवान को मैं भी ठाकुर जी को समझ नहीं पाए। इसलिए सारे अभिमान ज्ञान को पहले त्याग दो। बोले त्याग देकर क्या करे? बोले मुदुपास नमंत एव जीवंती सन्मुख रीतं भवदीय वार्ता, बोले संतों को मुखार बिंद से भगवान की कथा मृत जो गंगा रूपी जो मंदाकिनी बहती है उसमें बैठ बैठ कर उसमें गोता लगाओ। और स्थाने स्थिताम, स्थाने स्थिता मतलब होता है ठाकुर जी तुम्हें जिस अवस्था में रखे उसी अवस्था में रह करके भगवान की भजन करो। जैसे किसको बोलो भैया भगवान की भक्ति करो, बोले नहीं अभी हमारा समय नहीं आया है, अभी बच्चों को शादी करवाना, पढ़वाना, लिखवाना, ये संसार का सारे घर गृहस्थी, जब पूरा का पूरा रिटायर्ड लाइफ हो जाएगी ना, एक दो माला कर लेंगे, अभी से भजन क्या करेंगे? कहते भैया कोई कोई कहते ना सारे काम को निपटा करके भजन करेंगे। बोले खुद निपट जाओगे, घर का काम किसका निपटना है? अभी तो घर का काम किसका निपटा बताओ। इसलिए खुद निपट जाओगे, घर का काम कभी नहीं निपटेगा। इसलिए ठाकुर जी जिस अवस्था में तुम्हें रखे उसी अवस्था को जीवन का सबसे बढ़िया अवस्था मानो और उसी अवस्था से क्या करो, भगवान की भजन करो। बस संतों की श्री चरण में रह करके काय मन और वाक्य को द्वारा भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। अगर भक्ति करते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन जरूर तुमको भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगा। इसलिए देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक समय एक राजा और एक मंत्री थे, वो मंत्री बड़ा भगत है। एक समय राजा और मंत्री गए शिकार खेलने के लिए, हठात राजा के अंगुल कट गई। राजा ने बोले महामंत्री मेरा अंगुल कट गई, लेकिन मंत्री बड़े भगत है, हर बात बात में कहते थे ठाकुर जी जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, ठाकुर जी कहीं बुरा किसी की करते ही नहीं। बोले जिंदगी भर के लिए मेरे अंगुल कट गए, तुम कहते हो ठाकुर जो करते अच्छे करते हैं। बोले ठाकुर तो किसका अमंगल कर ही नहीं सकते, भगवान तो मंगल सबको करने वाले हैं। बोले अभी तेरे को दिखाता हूँ तेरे कैसे मंगल करते हैं। एक सूखा कुआ था, राजा ने मंत्री को उसमें धक्का मारकर गिरा दिया।
ठाकुर जो कुछ करते हैं मंगल क्रिय करते हैं ना, अब इसमें पड़े रहो, हम देखता हूँ ठाकुर तरीके से मंगल करते हैं। जब राजा वापस आ रहे थे, इधर किया हुआ एक डाकू का कोई सरदार था, उसने भद्रकाली को पास में मनौती रखा था, अगर मेरे घर में एक पुत्र जन्म हो जाएगा तो तेरे सामने एक नर बलि दूंगा। अभी किसी तरह से उसको घर में पुत्र होते ही वो डाकुओं का आदेश दिया, कोई भी मिले उसको पकड़ करके ले आओ। मिला राजा है, मिला, बड़ी खुश हो गई मैया, तो बड़ी खुश होगी। जब उसको बलि चढ़ाने के लिए लाए, उठाया था अस्त्र उसको गला काटने के लिए, हठात देखा इसका अंगुल कटा हुआ, वो खून टपक रहा है। नियम है माता को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जो संपूर्ण शरीर हो, जिसका शरीर कोई अंग भंग हो, कटा हुआ शरीर नहीं चढ़ सकती है। हठात देखा खून बहते हुए, राजा तो वो जो सरदार था उठाया था तलवार, वो तो छटपट छटपट कर रहा था, लेकिन जब देखा खून टपक रहा है उसको बंद कर दिया। बोले भैया ये मैया देवी की सेवा में लगे नहीं सकते, इसको छोड़ दो। राजा ने सोचा मंत्री जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, ठाकुर जी जो करते हैं कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। कितना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी वापस आया, मंत्री को कुएं से निकाला। बोले मंत्री तू जो बोल रहा था ये सही बात है, अगर मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ होता तो पूरा के पूरा मैं तो बलि में चढ़ जाता। लेकिन मंत्री एक बात मेरे समझ में नहीं आई। बोले बताओ। बोले तब से लेकर के अभी तक तेरे को ये अंधकार कुआ में मैंने फेंक करके रखा, तेरा क्या कल्याण हुआ? कल्याण तो मेरा हुआ। मंत्री ने बोले महाराज जी मंगल आपका नहीं मेरी हुई। बोले कैसे? अगर तुम मेरे को ये कुएं में डाल करके नहीं रखता तो हम दो नहीं जाते। अभी तेरा तो अंगुल कटा हुआ, तेरे को छोड़ देते और मेरे को पूरा के पूरा मैया को सामने बलि चढ़ा देते। इसलिए ये ब्रह्मा यहाँ पर कहते हैं भैया भगवान ने तुमको जिस अवस्था में रखे वो अवस्था को सबसे बढ़िया समझो। बढ़िया समझ करके भगवान किसी का कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, ठाकुर जी सभी की मंगल करने वाले। और उसी स्थिति से ही क्या अगर भगवान की भजन करते रहो। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं देखो जीवन में जो कुछ आता है कभी किसी दूसरों के ऊपर में कभी दोष मत लगाया करो। भैया अमुक की वजह से ऐसे हुआ, अमुक ने मेरे साथ में ऐसे कर दिया, उसने हमारी बुराई की। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म किया है। बोले तत्वानुकंपा सुसुमिक समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम्। कहते जीव अपना कर्म का फल भोग करता है, कोई किसी को पर कभी दोष मत लगाया कर। जैसे देखो अगर हम नीम का बीज बोएंगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा बोलो? करेला का बीज बोगे तो, चीकू का बीज बोगे तो, केले का बीज बोगे तो, जैसे हम बोएंगे ना वो वृक्ष वैसे ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं किसी को पर कभी दोष मत लगाया करो, हैं? दोष नहीं लगा करके जो कुछ जीवन में आए हंसते हंसते उसको भोग कर लो, भोग कर लो। और क्या करो, भगवान की भक्ति को कभी मत छोड़ा करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर भगवान की थोड़ी भक्ति करे छोटी मोटी कोई दुख कष्ट आ जाए ना, अब देखना हम तो खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना भी नहीं छोड़ते हैं, घूमना भी नहीं छोड़ते थे, ये माला सबसे पहले रख लेते। बोले भगवान ने हमारे साथ में ऐसे किया, हम इतना ठाकुर जी की भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे किया, हम माला इस पैसे छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते भैया सारा दुनिया छूट जाए तुम्हारी, लेकिन भगवान की भजन मत छोड़ो, क्योंकि भगवान की भजन करोगे तो कभी ये सारे दुख कष्ट से तुमको मुक्ति मिल सकती है, नहीं तो मिलेगी नहीं। अगर जीवन में भजन करते करते कुछ अगर दुख कष्ट आए, ये समझो मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी कोई अनहोनी होने का था, ठाकुर जी थोड़ी सी कष्ट देकर हमें छोड़ दिया, ये चीज को समझो, ये चीज को समझनी चाहिए। देखो हमारे गुरु जी कहते थे, बोले एक समय दो भाई थे, एक नास्तिक एक आस्तिक। जो आस्तिक था उसको जो नास्तिक था हर समय उसको गाली देता था, क्या दिन भर माला लेकर बैठे हो, ये पत्थर को सामने ठाकुर को सामने बैठ करके दिन भर किया भजन कर दो, ये बेकार सबके सब भजन भजन है। एक दिन किया हुआ दोनों भाई कहीं निमंत्रण में जा रहे थे,
जो भाई भजन नहीं करता था उसको सोने की मोहर मिल गया। उसने बोला देखा मैं भगवान की भजन नहीं करता, मेरे को सोने की मोहर मिल गई। अब तू दिन भर राम राम कृष्ण कृष्ण करता, तेरे को क्या मिला? थोड़ी दूर गए ना, जो भजन करता था उसको प्यार में तो कांटा गड़ गई, एक लोहे की कांटा सीक गड़ गई तो खून बहने लग गया। बोले देखा तू इतने भक्ति करते, तेरे को क्या मिला? मैं भक्ति नहीं करता, मेरे को क्या मिला? इसलिए भजन भजन सब बेकार चीज है। ये तो दुखी हो गया। बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना भजन करता हूँ तो सबके सामने मेरे ऐसे बदनामी कराते हो। इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा सुन लो तुम दोनों का कर्म का फल। ये जो व्यक्ति जिसको आज सोने की मोहर मिली है, ये पूर्व जन्म में इतने पुण्य किया था, आज का दिन ये राज सिंहासन उसको मिलने वाला था। चूंकि मेरे को मेरे भक्तों को चुगल करता है, अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी में अमृत हो, और से राधे राधे हो, दशना राधे राधे I'm not afraid.
आकाशवाणी हुई, बोले देखो आज जो ठाकुर जी उनके के सोने की मोहर दी है, इसलिए ये पहले जीवन बहुत पुण्य कर्म की थी। आज का दिन इनको राज दरबार में राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन चूंकि मेरे और मेरे भक्तों की ये बुराई करता है, उसका सारे पुण्य खत्म हो गई और एक सोने की मोहर देकर वंचित कर दिया। तुम्हारी कथा सुनो, पहले जीवन में तुमने एक मर्डर किया था, आज राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था। चूंकि तुम मेरे भजन करते हो, सारे पाप को खत्म खत्म करते करते थोड़ी सी बाकी रह गई थी और एक लोहे का सींग कड़ा करके मैंने तेरे को छोड़ दिया। इसलिए भगवान की भक्ति करो। अभी अभी कभी कभी हमारे मन में शंका हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति खूब दिन भर पूजा पाठ करे, अगर थोड़ी कोई दुख कष्ट मिले ना, सोचते ही इतना मैंने भजन की, हमारे साथ में ऐसे क्यों हुआ। और एक उदाहरण देता हूँ, इसको अच्छे तरह से याद रखो, फिर तो दुख में दुखी नहीं बनोगे। देखना आपका यहाँ खेती क्या होता है, गेहूं, गेहूं तो होती नहीं, होती है गेहूं? हमारे उस तरफ में जब गेहूं की खेती होती है, एक ड्रम रखते हैं, वो ड्रम में सब गेहूं को डाल देते हैं, उसको नीचे के छेद रहता है, जितना जरूरत उधर से निकाल करके पिसवा करके आटा बना कर खाते हैं। मान इसी साल हमने गेहूं की खेती की, लेकिन बरसात ठीक से नहीं हुई तो गेहूं का दाना छोटा हुआ, अब उसमें डाल दो। लेकिन दूसरी साल जब गेहूं की खेती की, दाना बहुत बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दो। जब नीचे से निकालोगे, आप बताओ पहले कौन सा गेहूं आएगा, बोलो कौन बोलेगा? क्यों छोटे वाला आएगा, अब तो ऊपर से बड़े डालेगा। हाँ, ऊपर से बड़े डाले ना। हाँ, इतनी चीज, इतने से चीज को समझ लो, अच्छे तरह से समझ लो। चूंकि आपने पहले जो गेहूं डाला है ना, वो छोटा गेहूं डाले हो, बड़ा गेहूं तो आएगा, लेकिन कब आएगा, जब छोटा गेहूं खत्म हो जाएगा। उसी तरह जैसे अभी हम भगवान की भजन कर रहे हैं, इसका फल भी जरूर ठाकुर देंगे, लेकिन पहले जो हमने कर्म करके आए हैं, पहले तो उसको पहले भोग लो। जैसे अब कभी कभी देखना, कोई एक व्यक्ति मर्डर कर दिया, उसको साथ में दो तीन व्यक्ति थे, लेकिन देखा ना मर्डर इसने नहीं किया, देखना वो अगर जाएगा जेल, उसके साथ में ये भी जेल चले जाते हैं। बोले क्यों, ये क्यों जेल गए, इन्होंने तो मर्डर नहीं किया। उदाहरण देकर समझाते हैं, मान इसी जीवन में किसी ने चार व्यक्ति को मर्डर कर दिया, हमारे भारतीय संविधान का नियम है जो व्यक्ति एक मर्डर करे आजीवन उसको कारावास है, लेकिन एक जीवन तो उन्होंने कारावास भोग कर लिया, लेकिन उसने कितना मर्डर किया था, चार, अभी तीन बाकी है ना। देखना वो व्यक्ति कुछ नहीं किया, लेकिन बिना कारण से देखना जेल चले जाता है, कारण किया, अभी तुमको तीन बाकी था। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, भैया जीवन में जो कुछ आता है ना, उसको हंसते हंसते भोग लो, हंसते हंसते भोग लो। देखो और एक चीज को समझो, आप लोगों को पुण्य नष्ट करना चाहते हो ना, पाप नष्ट करना चाहते हो, बोलो जोर से। कोई भी पुण्य नष्ट करना नहीं चाहता है, लेकिन पुण्य जब तभी नष्ट होता है सुख दे करके, लेकिन जब पाप नष्ट होता है क्या दे करके, और दुख दे करके। अगर जीवन में दुख आ रहा है, मतलब है तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो रहा है और आगे तुम्हारी पुण्य उदय होने वाले, आगे तुम्हारी आनंद मिलने वाले हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ये चीज को समझाते हैं, जो जीवन में आता है भगवान की भजन करते करते हंसते हंसते भोग लो। हाँ, अगर जीवन में ऐसे जैसे वाल्मीकि ने भजन की, जैसे वाल्मीकि ने भजन की, डाकू था, लेकिन मरा मरा करते करते, राम राम करते करते उन्होंने किया हुआ, दस रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए। अगर भगवान के नाम में इतने शक्ति, बोले प्रारब्ध कर्म इति विधनोति कर्म, अगर कोई पूर्व जन्म के पाप को खत्म कर सकता है, ये भगवान का हरिनाम, ये हरिनाम में इतने शक्ति। अजामिल को देखो, बेटा का नाम केवल नारायण उसने रखा था, और नारायण करते करते बड़ा पार, और कुछ नहीं, केवल नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में जमदूत को देखा, एक बार बेटे के लिए नारायण बोला तो उधार, इतने शक्ति भगवान के नाम में। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय भगवान की नाम को जपा करो, ठीक है? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण। कुछ कुछ माताओं का मुंह नहीं खोलती,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जिस समय पितामह ब्रह्मा भगवान को स्तुति कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी ब्रह्मा जी की तरफ में ध्यान नहीं दे रहे थे। कृष्ण तो सखाओं को साथ में खेल रहे थे और सखा लोग तो ब्रह्मा को चौमुहा चौमुहा करके खेल उड़ा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ठाकुर जी को इतने में स्तुति करता हूँ, ठाकुर जी थोड़ी सी भी हंसे ही नहीं रहे। बोले अभी तक तो ठाकुर को मैंने स्तुति की, अभी थोड़ी उनकी भक्तों को ब्रजवासियों को स्तुति करके देखता हूँ क्या होता है। फिर ब्रह्मा जी बोले, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब उन्होंने ब्रजवासियों को स्तुति की, बोले ब्रजवासियों का महिमा हम क्या बताएंगे, कृष्ण कौन, ये पूर्ण ये ब्रह्म ये सनातन, लेकिन हो करके करता है क्या। बोले सखाओं को झूठन खा रहे, मैया जसोदा जिनको कान पकड़ कर उठाती है बैठाती है, ब्रज गोपियों को चरण में जो प्रेम की भीख मांगते हैं, ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान। जब उन्हें इतनी सी बोले, इतने में कृष्ण मिठी से मिठी मुस्कुरा मुस्कुरा दिए। फिर ब्रह्मा जी को पता चला भगवान की कमजोर कहाँ पर। यहाँ पर ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, मेरी सेवा से मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का कोई सेवा भक्तों का कोई स्तुति करता उसमें ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। फिर ब्रह्मा जी भगवान को तीन बार परिक्रमा करके जल्दी भाग गए। बोले परिक्रमा तीन बार क्यों किए, नियम है चार बार करना, लेकिन उन्होंने तीन बार क्यों किए। बोले कारण है, बोले जब तक यहाँ पर रहूंगा ना, ठाकुर जी भोजन कर रहे थे उसी समय ने मैंने कृष्ण का बछड़े सखा को चुराया, इसलिए अभी भी ठाकुर जी के हाथ में वो दही चावल और ये टिट्टी का आचार अभी भी ठाकुर के पास में। जब तक रहूंगा ठाकुर जी को लीला में बाधा डालूंगा, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी वहां से ब्रह्मा जी चले गए। बोले प्रभु जानंतु एव जानंतु, जो कहता है, अरे वो भगवान जो गैया पीछे पीछे बोलता है ना, कृष्ण को जो बोलता है उनको बोलने दो, मैं पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा बोलता हूँ, धूल कणा को कोई गिन सकता, बारिश की बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन ये बांके बिहारी की महिमा को कोई समझ नहीं सकता है। बोले श्री बांके बिहारी की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री लाल। बोले भगवान जब ब्रज गोपियों की वस्त्र हरण की, उसको बाद में उनके व्रत में ठाकुर जी संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हो करके कोई कोई कहते हैं, अरे भगवान कैसे लड़कियों को वस्त्र चुराए, हम भगवान वस्त्र कभी भगवान गोपर में आख्या वो करते हैं। बोले भगवान बता, भगवान कहाँ नहीं, ठाकुर तो कण कण में विद्यमान है। ठाकुर जी नहीं कहाँ बताओ, भगवान तो सर्वत्र है। जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हुई, कृष्ण ही तो स्वयं वस्त्र बने थे। जब उन्होंने परीक्षित महाराज को रक्षा की, उत्तरा के गर्भ में तो उन्होंने प्रवेश किए थे, वो कहाँ नहीं बताओ, वो तो कण कण में विद्यमान है। लेकिन गोपियों की जो शरणागति को उन्होंने दिखाई, स्त्रियों का लज्जा ही यही भूषण है। लेकिन गोपियों ने सारे लाज लज्जा को परित्याग करते हुए जब भगवान के चरण में संपूर्ण शरणागत हो गई, भगवान संतुष्ट होकर के बोले, तुम लोगों को साथ में शरद पूर्णिमा में रास करूंगा। इतने में ठाकुर जी रात को विश्राम कर रहे थे, जब उनकी खिड़की खोल करके उन्होंने पूर्व दिशा का तरफ में देखे, तब उन्होंने चंद्रमा को उन्होंने दर्शन किया है। कद ये चंद्रमा कौन है, बोले इनकी पूर्वज ये चंद्र वंश में है। बोले मानो उदाहरण देते हैं, ये चंद्र वंश में ठाकुर जी आए हैं, इसलिए उन्होंने चंद्र को देखा, पूर्ण चंद्रमा को तो देखा। इतने में उनके जो स्मरण है राधा रानी की, मुख चंद्रमा को इनको स्फूर्ति हुई है। तब भगवान श्री बंसी बटो को नीचे आए। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रासलीला को वर्णना करते हैं, अगर कहीं सुखदेव गोस्वामी प्रभु की कोई मधुर लीला को जो वर्णना की है ना, उन्हें सबको सावधान एक बार कर देते हैं। बोले सावधान, ये मत समझो
भगवान ये रासलीला करते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। कोई कोई इसे बोलते हैं ना, क्या ठाकुर ही दूसरे दूसरे लड़कियों को लेकर नाच सकते हैं, हम क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहला शब्द प्रयोग करते हैं, बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्पुर्ल मल्लिका वीक्षरंत मनश्चक्री जोग मायामुपासिता। भगवान महामाया को नहीं, भगवान अपना जोग माया को लेकर उन्हें रासलीला की। यहाँ पर महामाया नहीं, इसलिए भगवान ऊपर में कोई आक्षेप नहीं करे, केवल ठाकुर केवल क्या दूसरे दूसरे गोपियों को लेकर रास कर सकते हैं। पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये गोपियां कोई लड़की नहीं, ये कौन है? कहते कुछ श्रुति चरी, ये श्रुतियों ने कठोर तपस्या की, जिसको बामन पुराण में वर्णना करते हैं, कठोर तपस्या की। जब भगवान संतुष्ट हो गए, बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपकी गोपी भाव से आपको पाना चाहते हैं। बोले ठीक है, द्वापर युग में आओ। जब भगवान दंडकारण्य में पहुंचे, बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में। अभी उन्होंने राम को देख कर के श्याम को याद आई, राम को पति रूप में प्रार्थना किया। बोले नहीं, रामावतार में मैं सीता के सिवाय उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तो गोपी बन करके आओ। इसलिए जब भगवान जनकपुरी में गए, कि जनकपुरी के जितने सब कुमारियां थी, सबके सब भगवान राम को पति रूप में प्रार्थना की, बोले तुम सब गोपी बन करके आओ। और जिस समय सीता को भगवान राम ने वनवास दे दिया, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। वशिष्ठ जी ने कहा, बगैर पत्नी के तुम यज्ञ कर ही नहीं सकते हो, स्वर्ण सीता को बाम तरफ में रख करके यज्ञ कर सकते हो। हर साल एक एक यज्ञ करते थे, इतने सोने की सीता गई ना, ये सब के सब गोपी बन कर जाए। ये गोपियां कोई लड़की, इनको मत समझा करो, नहीं तो शंकर स्वयं गोपी बन कर क्यों आए? शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए ना, वो फिर कोई गोपी क्यों बने? इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति जिनको भक्त का अंतिम छोर बताया, कहते पांच तरह का भक्त है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर और प्रेमातुर। ये प्रेमातुर भक्त सर्वश्रेष्ठ श्री उद्धव जी भक्त का अंतिम छोर है, कहते इनसे बड़े भक्त दुनिया में कोई नहीं भगवान की। लेकिन यही उद्धव जब ब्रज में आते हैं, गोपियों को प्रेम को देख कर इन्होंने जिनकी चरण की एक धूल को उद्धव जैसे व्यक्ति वंदना करते हैं, बोले बंदे नंद ब्रज स्त्री ना पाद रेणु अभिक्षना स जासाम हरि कथद गीत पुनात भुवन परे। जिनकी महिमा विश्व ब्रह्मांड को पवित्र कर सकती है, ऐसे श्री राधा रानी गोपियों के चरण की एक धूल अगर मेरे सर को स्पर्श कर जाए, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए गोपियों को कोई लड़की बड़ी मत समझा करो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर सावधान कर देते, सावधान, ये रास रचया और कोई नहीं, ये रास रचया स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए भैया हम रास नहीं कर सकते हो, आप लोगों ने सब शादी किए हो? कौन कौन शादी किया, हाथ उठाओ। तो शादी किए ना, आपको पता चलता होगा एक स्त्री को भरण पोषण करना कितना कठिन है, आपको पता होगा कि नहीं। बोले एक समय कोई एक लड़की देखना, जब शादी होती है ना, जब अपना जाती है ससुर घर में, बहुत रोती है ना लड़की। एक समय कोई लड़की बहुत ही रो रही थी, अब इसको रोना बंद नहीं हो, परिवार समझा रहे क्यों रो रहे हो, हम भी बीच बीच में चले जाएंगे, तुम भी बीच बीच में आना, रोना बंद। लेकिन रोना बंद ही नहीं हो रहा है। इतने में पति ने कहा, क्यों रो रहे हो, कब से रो रहे हो, चुप हो जा, देखो वो क्या कहती है। बोले जीवन में पहला बार मैंने रो लिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। अभी तो जिंदगी भर तू रोगे जिंदगी भर, और मैं नहीं रोऊंगा, जिंदगी भर तू ही रोगे। इसलिए एक समय बोले एक व्यक्ति का कोई दो पत्नी थी, हैं? अभी पति बाहर से काम करके आता है, रोज घर में देखे लड़ाई झगड़ा, रोज क्लास। पति ने देखा, सोचता हूँ बाहर से काम करके आऊं, पत्नी थोड़ी मीठी मीठी बोली, बोले घर में रोज ही महाभारत। सोचा एक ऊपर का दो मंजिले बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, फिर तो कम से कम लड़ाई तो होगी नहीं। लेकिन जो नीचे रहती है ना, पहले से ही रोटी सब्जी बना करके सामने बैठी रहती है, पति जब बाहर से आए जोर जबरदस्ती पकड़ कर घर में ले जाती है।
लेकिन जो ऊपर जो बैठी हुई रोज परेशानी, एक दिन ऊपर जो थी ना बोले आज मैं मजे चखाऊंगा, उसने रोटी सब्जी बनाकर नीचे आकर बैठी गई। जो पति आए ना बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर देखती रह जाती, चलो ऊपर चलो, हाथ पकड़ कर ऊपर ले जा रही है। जो नीचे बैठी हुई थी बोले मैं भी तो रोटी सब्जी बना करके बैठी हूँ, एक तो हाथ पकड़ कर खींच रहे हैं और एक टांग पकड़ कर खींच रहे हैं, अभी कोई छोड़े नहीं। उसी समय में घर में कोई एक चोर चोरी करने के लिए आया था, वो चोरी क्या करेगा, नाटक देखना शुरू कर दिया। दो पत्नी होने पर घर में कैसे लड़ाई होती है, बड़े देर में जब झगड़ा खत्म हुई देखा घर में चोर बैठा, वो पकड़ करके थाना में ले गए। बोले पुलिस बोले इसको क्या दंड दिया जाए, बोले भैया जो कुछ दंड दोगे लेने के लिए तो तैयार ही, मेरे को एक दंड मत दिया करो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। मैंने देख लिया दो घर, मतलब पत्नी को संभालना कितने कठिन है, लेकिन भगवान कितने गोपियों के साथ में रास किया आपको पता है, 100 करोड़ गोपियों के साथ में, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण मेरे साथ में। एक दिन नारद भी स्वयं द्वारका में गई, बोले घर में अगर दो पत्नी हो, घर में महाभारत चलती है, कृष्ण ये 16,108 पटरियों को कैसे संभाल रहे हैं। जब उन्होंने पहुंचे ठाकुर को दर्शन करने के लिए, पहले उन्होंने रुक्मणी को घर में प्रवेश किया, देखा ठाकुर जी यज्ञ कर रहे हैं, कृष्ण को उन्होंने स्वागत किया, बैठा या उनके चरण की सेवा की। जब वहां से उन्होंने विदा लेकर के सत्यभामा को घर में गए, देखा बच्चों को पाठ पढ़ाते हुए, बोले ठाकुर जी कहते हैं आप तो बड़े दिनों में आए। नारद बोले अभी अभी तो ठाकुर विदा किया, अभी कह रहे बड़े दिनों में आए। जब उन्होंने कालिंदी के घर में गए, देखा हर रानियों को घर में ठाकुर जी अलग अलग लीला करते हुए ठाकुर जी को देखा, अलग अलग लीला, एक नहीं, एक घर से विदाई देते हैं, दूसरे घर में कृष्ण कहते बड़े देर में आए, बड़े लेट में आए। इसलिए भैया अगर हमें कोई संभाल सकता है ना, अगर किसकी इच्छा संपूर्ण कोई अगर पूरी कर सकते ना, ये केवल भाग्य बिहारी कर सकते। दुनिया में हमारी इच्छा को कोई जगत में पूरी नहीं कर सकते। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी सावधान कर देते हैं, रास रचिया कोई जीव नहीं, ये अनंत कोटि जगत में सबके सब हम शक्ति है, हम कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि शक्ति के परिणाम है ये जीव है, हैं? अभी तो पुरुष शरीर धारण किया है, लेकिन पहली जन्म में क्या थे क्या पता है। इसलिए इसे जो जीव है ना वो शक्ति सबके सब है, शक्ति मानते एकमात्र भगवान कन्हैया है, और सबके सब जगत में शक्ति है, सबके सब नारी है, पुरुष एकमात्र हमारे श्री बांके बिहारी है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए कहते भगवान अपि तारा त्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंत मनश्चक्रे जोग मायांग उपाश्रित। इसमें जो एक एक शब्द दिया है ना, हमारे टीकाकारों ने आप सोच नहीं सकते, एक श्लोकों को व्याख्या करूं 3-4 घंटा लगेगा। ये तारा त्रि क्यों बता, शरद उत्फुल्ला ता शब्द क्यों, मनश्चक्र आत्मनिपद क्यों प्रयोग किया, एक एक श्लोकों को जो संतों लोगों ने व्याख्या किया, केवल रासलीला को पर सुनाना 7 दिन तक भी इसको खत्म नहीं होगा। हमारे संतों ने इतने उन्होंने इसको पर में टीका उन्होंने दिया है। इधर में कृष्ण भगवान श्री बंसी बेट को नीचे आए, बोले जब कलो बाम दृशा मनोहरा, उन्होंने ये श्लोक में क्लीन अक्षर है कल है, इसमें चंद्र बिंदु और उसमें जो शब्द प्रयोग किया वो क्लीन शब्द है। भगवान कृष्ण बंसी ध्वनि में उन्होंने ये क्लीन शब्द को उन्होंने उच्चारण किया है। देखना जो क्लीन शब्द ये बीज मंत्र है, उसमें 5 अक्षर है क ल ई चंद्र और बिंदु। क मतलब होता है कृष्ण, ल मतलब राधा रानी, ई मतलब मिलन, चंद्र बिंदु मतलब इनमें जो दिव्य आनंद है। दूसरा अर्थ होता है इसमें 5 अक्षर मतलब होता है ये विश्व ब्रह्मांड 5 वस्तुओं को तरह बना हुआ है। खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, मानो जो क्लिंग जो अक्षर है मानो विश्व ब्रह्मांड इसको अंदर में विद्यमान, लेकिन भगवान तो क्लिंग शब्द उच्चारण की, लेकिन राधा रानी सुन रही थी बंसी से केवल राधे 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 नाम उच्चारण हो रहा है। ललिता सुन रही थी बंसी ध्वनि से केवल ललित ललित, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखा, केवल शब्द उच्चारण हो रहे हैं। इसी समय में एक उदाहरण यहाँ पर हमारे टीकाकार ने दिया,
जैसे जो चोर होता है ना, जो चोर का जो लीडर होता है वो चोरी करने नहीं जाता है, वो तो अपना स्थान पर बैठता है, किसको भेज देता है, अपने चेले चापाटियों को भेज देता है, जा चोरी करके लाओ और माल मेरे को दो। बोले यहाँ पर सबसे बड़े चोर कौन है? बोले हमारे कन्हैया है, इसलिए चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, सबसे बड़े चोर है, जो मन को चुराने वाले, दिल को चुराने वाले, पाप को चुराने वाले, दुख कष्ट को जो चुराने वाले, ये भगवान कृष्ण है। जब उन्होंने ये बंसी ध्वनि उन्होंने की, ये बंसी ध्वनि किया है, सबके सब सरदार तो हो गए कृष्ण, और ये हो गए उन्हें चेले चपाटी सबके सब, भेज दिया जाओ जा करके क्या करो, तुम लोग जितने धन को ला करके सबके सब मेरे को दो। अभी इस बंसी ध्वनि गई, जब बंसी ध्वनि गई चोर जब घर में गए ना, देखा सबके सब दरवाजा खुला हुआ, बोले वाह बड़ा सुंदर मौका है। इतने में खोला हुआ मतलब ब्रज गोपियों को जो कान रूपी दरवाजा की खुली हुई है, इतने बंसी ध्वनि गोपियों का हृदय में प्रवेश की, अब प्रवेश करके उनका हृदय को ये बंसी ध्वनि ने चुरा करके लाए। जब चुरा करके लाए, अगर आपके घर में कोई चोर आए, जिंदगी भर आपने जो कमाई की इसको लेकर अगर जाएगा, फिर क्या करोगे आप? पीछे पीछे भागोगे, भैया जिंदगी का सारे संपत्ति हमारी लूट गई। इतने में उसी समय में ब्रज गोपियां कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई गोदोहन कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, लेकिन जब ये बंसी ध्वनि इनकी हृदय में गई, जिस अवस्था में वो थी उसी अवस्था में ही सब कुछ छोड़ करके उन लोगों ने भगवान का तरफ में दौड़े। जब दौड़े यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये गोपियों का प्रेम ये सर्वश्रेष्ठ क्यों? बोले इन लोगों ने संसार का सारे संबंध को उन्होंने त्याग दिया है, सारे संबंध को, संसार का आसक्ति को इन लोगों ने संपूर्ण रूप में उन्होंने त्याग दी है, और त्याग देकर कुछ गोपियां तो घर से निकल करके आ गई, लेकिन कुछ गोपियां निकल नहीं सकी, उनको पतियों ने बच्चों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो रात को बीच में, खबरदार घर से निकलोगे तो टांग तोड़ दोगे, घर से बाहर निकलोगे तो। तब यहाँ पर कहते हैं भैया कौन कौन निकली और कौन कौन नहीं निकल पाई? बोले जिनके शरीर को साथ में पति का कोई संबंध नहीं था वे लोग तो निकल करके चले आए, लेकिन जिनके शरीर पति को साथ में संबंध था वो शरीर झूठा हो गया है, वो शरीर पवित्र नहीं है, वो अपवित्र हो गया है। जो अपवित्र शरीर वो भगवान की सेवा में ये लग नहीं सकती है, इसलिए जो माया ने उनको आने नहीं दी। जब नहीं दी उन लोगों ने तो बड़ी दुखी हो गई, ठाकुर जी को पुकार, हे प्रभु आज हम ये दिव्य रास में आपको साथ में सम्मिलित नहीं हो पाए। जब उन्होंने हृदय में दिव्य उनको उत्कंठा और हृदय में उनकी आग लगी कृष्ण दर्शन करने की, कहते उनको अंदर में जो कमियां थी, जैसे उदाहरण देते हैं जैसे आम है जो कच्चा अवस्था में तोड़ करके क्या करते हैं गर्मी में रख देते हैं, जब पक जाती है फिर हम एक एक कर खाते हैं, कि जब इनके हृदय में विरह उत्कंठा जागृत हुई, इतने में उनकी अंदर में जो कमियां थी ना वो कमियां दूर हो गई, तब उन्होंने इसी शरीर तो यही रह गई, लेकिन ये आत्मा शरीर में इस सब के सब पहुंच गए भगवान को पास में। जब भगवान को पास में पहुंचे इतने में भगवान ने बोले स्वागतम महाभागम, भगवान उनको स्वागत किया है, बोले जगत में तुम लोग बड़े सौभाग्यवान, सारे संबंधियों का आसक्ति को छोड़ करके तुम लोग ये दिव्य रास लीला में आए हो। ठाकुर जी उनको स्वागत करते हैं, जब स्वागत करके तब भगवान कहते देखो तुम लोग पतिव्रता स्त्री हो, पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है, भले ही पति लंगड़े लूढ़े निकम्मा क्यों नहीं हो, पत्नी का कर्तव्य क्या है? पति की सेवा करना ही हर पत्नी की कर्तव्य है, क्यों? पत्नी के लिए पति ही परमात्मा है, हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं ना पति ही पत्नी के पति के लिए ये परमात्मा है, पति की सेवा करना ही कर्तव्य। ठाकुर और एक बात कहते हैं, देखो ये घोर अंधकार रात्रि है, ये घोर अंधकार रात्रि में स्त्रियों को कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, कृष्ण ये भी शिक्षा देते हैं, स्त्रियों को अबला बताया, स्त्रियों को सबला नहीं बताया, हर समय
स्त्रियों को हर समय बचपन में पिता माता के अधीन रहते हैं, बड़ी हो जाने पर पति के अधीन में रहते हैं, और जो बूढ़ी हो जाते हैं बच्चे को अधीन में रहती है। स्त्रियों को कभी भी स्त्रियों को स्वतंत्रता हमारे शास्त्र कभी भी नहीं दिया है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे आटा, आटा अगर गोंद करके छत को पर रखो कौवा खा जाएगा, अगर घर में रखो ना चूहे खा जाएगा। कभी स्त्री जाति ऐसे है, स्त्री जाति ऐसे है, इसलिए कहीं भी जाएंगे तो उनको खा जाएंगे सबके सब, इसलिए इनको कभी भी स्वतंत्रता की कभी नहीं दिया। अभी इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है, कारण क्या, इतने डाइवोर्स क्यों हो रहा है? पहले पहले जो लड़कियां होती थी थोड़ी सी लिखी पढ़ी गई ना, घर में भले घर में रहो, घर का काम काज को करो, घर संभालो, यही करती थी ना। देखना सुख में जीवन बीतता था, अभी आनंद सुख जो जितने लिखी पढ़ी बाहर जाती है घूमने के लिए उतना ही अभी इतना गड़बड़ी है। ये हमारी संस्कृति एकदम नहीं है, हमारी संस्कृति तो स्त्री घर की लक्ष्मी है, इनकी पूजा की जाती है, उनकी अपना मर्यादा को रहते हुए अपना घर के काम काज में करनी चाहिए। इसलिए कहते ना नहीं बराबर अधिकार चाहिए, नहीं ये हमारे शास्त्र कभी इसी शिक्षा नहीं दिया। ये भगवान भी कहते हैं स्त्रियों को घोर अंधकार रात में कहीं नहीं जानी चाहिए, ठाकुर जी उनको शिक्षा देते हैं, हैं? इसलिए भगवान ने कहा देखो जो पतिव्रता नारी है उनके अंदर में अखंड शक्ति है। तब भगवान ने गोपियों को बोले देखो गोपियां जो स्त्रियां पतिव्रता स्त्री होती हैं, देखो उनकी पतिव्रता स्त्री में कितनी शक्ति। तब उन्होंने उनको एक कथा सुनाई, बोले गोपियां एक स्टोरी सुन लो, बोले सुनाओ। बोले एक समय घर में एक छोटा बच्चा था जो केवल घुटन पर चलना सीखा। थोड़ी देर पहले पत्नी चूल्हे में उन्होंने रसोई बनाई थी, वो चूल्हे में अभी भी आग धधक रही है। इतने में पति ने पत्नी की जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहा था, अभी बच्चे के नींद खुल गया। नींद खुलते ही वो बच्चा घुटन पर चलते चलते जो चूल्हे आग में जल रहे थे ना उसको पास में चला गया, अभी गिरने वाला। पत्नी तो द्विविधा में पड़ी गई, अगर मैं बच्चे को रक्षा करने के लिए जाती हूँ पत्नी मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रही है, फिर पति को जगाना पड़ेगा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पति की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, नहीं तो ये पतिव्रता धर्म मेरी नष्ट हो जाएगी, अभी मुझको क्या करनी चाहिए। उसने सोचा भले ही बच्चा मर जाए कोई बात नहीं, पहले मैं अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करूंगी। और देखते देखते वो बच्चा जाकर चूल्हे में गिर पड़ा, गिर पड़ा तो थोड़ी देर बाद में पति की आंख खुली, बोले लाला कहाँ, बोले तो चूल्हे में गिर पड़ा, बोले तुमने रक्षा नहीं की, बोले आपने मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके सो रहे थे, आपको जगाता था मेरे पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। बोले चलो हम जा करके देखते हैं, और जा करके देखा उसकी पतिव्रता धर्म में इतनी निष्ठा थी, वो अग्नि शांत हो गई, वो बच्चा किलकार मारते हुए चूल्हे में भी खेल रहा है, वो चूल्हे के अंदर में भी खेल रहा है, और उन्हें वहां से बच्चे को उन्होंने उठा करके ले आए। कृष्ण ने बोला देखा जो स्त्री अपना पतिव्रता धर्म को रक्षा करती है कितने शक्ति ये पतिव्रता स्त्री में, कितने शक्ति है। लेकिन अभी घोर कलयुग आ रहे ना, पहले एक असत्य नारी मिलना बहुत कठिन थी, अभी घोर जब कलयुग आएगा ना एक सत्य नारी मिलना बड़ा कठिन होगा। जब उन्होंने ये बात बताए इतने में गोपियों ने कहा हम भी आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बोले सुनाओ, क्या सुनाओ? बोले एक समय एक पति को कोई विशेष काम के लिए बाहर जाना पड़ा, पत्नी को बोला देखो मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। पत्नी बोली मैं खिलाती पिलाती, मैं रसोई किसके लिए बनाती हूँ, तुम्हारे लिए ना, ये स्नान क्यों करती हो तुम्हारे लिए, ये बिस्तरा क्यों सजाती हो तुराल तुम्हारे लिए, ये भोजन क्यों बनाती हो तुम्हारे लिए, ये श्रृंगार क्यों करती हूँ तुम्हारे लिए, सब तो तुम्हारे लिए करती ना, अगर आप चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी। बोले देखो मैं अपना एक फोटो देकर जा रहा हूँ, जब तक नहीं आऊंगा ये फोटो को तुम पूजा करते रहना। अभी वो पत्नी फोटो को पूजा कर रही थी, कुछ दिन बाद में पति आया, इतने में दरवाजा खटखटाया, गोपियों ने कृष्ण से बोले बताओ अभी उसको क्या करनी चाहिए। बोले जैया भैया जब असली पति आ गई फिर फोटो को क्यों पूजा कर रहे हैं? तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि आप ही स्वयं भगवत गीता में कहते हो पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, ये दुनिया की पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, तुमने बंसुरी बजाई, तुमने बंसी ध्वनि करके हमको बुलाए,
जब हम आ गए बोले भैया आए हो अच्छी बात है, वृंदावन की शोभा देखो और चले जाओ, हाँ तुम चले जाओ। बोले देखो कृष्ण प्रथमंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जन, आप हमें इतने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हो, नियम है कृष्णंग बंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु हो, पहले पूजा तो आपको करनी चाहिए ना। कृष्ण प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के फिर कृष्ण ये ब्रज गोपियों के साथ में उन्होंने रास करते हैं, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, जो एक आंख में काजल लगा करके आई थी कृष्ण उनको दूसरे आंख में लगा दी, जो आधा वस्त्र पहन करके आई थी कृष्ण उनको पूरी वस्त्र पहना दी, जो गले की हार को कमर की गर्दन गले में ठाकुर जी सही उनको श्रृंगार कर दिए। कहते अगर हमें सही सही कोई श्रृंगार कर सकते हैं कौन, श्री ठाकुर जी ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान एक गोपी एक कृष्ण व दो गोपियों के अंदर में एक कृष्ण, दो कृष्णों के अंदर में एक गोपी। यहाँ पर कभी कभी संत लोग उदाहरण देते हैं, कहते कृष्ण तो एक है लेकिन एक अलात चक्रवर्त नृत्य कर रहे थे। इसका मतलब है जैसे आग की एक टुकड़े लो लकड़ी की, अब देखना ऐसे ऐसे घुमाना जोर से घुमाओगे देखना लगता है जैसे गोला करती, लेकिन आग एक है। मतलब कृष्ण इतने क्षिप्र गति से नृत्य कर रहे थे, इतने तेजी से सत करोड़ गोपियां समझ रही थी कृष्ण हमारे पास में, कृष्ण हमारे पास में है। लेकिन इतने में कहते स्त्रियों के अंदर में दोष भी है, क्या दोष है, जब कृष्ण बोल रहे थे थोड़ा प्यार दबा दूं, पसीना निकले तो पसीना पोंछ रहे थे, कृष्ण इतने उनकी चापू राशि कर रहे थे, स्त्रियों में दोष है। अगर पति जिस स्त्रियों को ज्यादा प्रेम करते है ना, देखना वो पत्नी पति को सर पर चढ़ बैठती है, कहते हमारी सिवाय तो उनको चलेगा नहीं है। इतने में गोपियों के अंदर में ये सौभाग्य मत प्रकट हुआ, सौभाग्यवत मतलब होता है उनको ये लगने लग गए हमारे बगैर कृष्ण को चलेगा ही नहीं। और दूसरा अर्थ है इनके अंदर में स्वतंत्र नायिका, स्वतंत्र नायिका मतलब है अभी ये गोपियां सोच रही हैं अभी राधा रानी की कोई भी जरूरत नहीं, राधा रानी के बगैर हम पूर्ण है। कृष्ण देखा गड़बड़ हो गई, क्योंकि रासे स्वरित श्रीमती राधा रानी, ये लोग तो राधा रानी को ही निगलित करना शुरू कर दी, जो मूल राशेश्वरी वो अपना को स्वतंत्र नायिका समझने लग गए, बोले ये गड़बड़ी है। इसलिए क्या करनी चाहिए, इनके अभिमान को हमें दूर करनी चाहिए। राधा रानी के अंदर मान हो गया, मान मतलब है राधा रानी देख रही थी कृष्ण हर गोपियों को, कृष्ण हर गोपियों को साथ में, कृष्ण हमारे साथ में भी है, क्या मैं इनको साथ में बराबर हो गई हूँ। इसलिए राधा रानी को हो गया मान, गोपियों को हो गया सौभाग्य मान। इसलिए कृष्ण उनकी सौभाग्य मत को दूर करने के लिए कृष्ण तत्रैव अंतर्ध्यते, भगवान वहीं पर कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब अंतर ध्यान होकर चले गए, इतने में कृष्ण ने किया क्या कि कुंज में गए, एक कुंज में अगर झटाझट उन्होंने किया कि उन्होंने अपना कपड़े को बदला दिया, बदला करके उन्होंने के श्यामा सखी रूप धारण कर लिया करके राधा रानी जो मान कर ली थी रासलीला छोड़ दी थी, जो रासलीला टूट गया था, इतने में कृष्ण के श्यामा सखी रूप धारण करते हुए राधा रानी को पास में जाते हैं। बोले देखो हम जोड़े जोड़े होकर के जाओ, हम कृष्ण को ढूंढने के लिए जाएंगे। इतने में कृष्ण राधा रानी को पकड़ लिए, राधा रानी को बताने चला यही श्याम सुंदर है, उनको लेकर के कुंज में गई, सुंदर सुंदर फूलों से माला बना करके राधा रानी को उनने श्रृंगार की। जब श्रृंगार कर रहे थे इतने में ब्रज गोपियां हा कृष्ण करते करते लता पता वृक्ष सबको पूछ रहे थे हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इतने में जब उन्हें पृथ्वी के ऊपर नजर गई, कहे हे पृथ्वी तुम तो सर्वत्र विद्यमान हो, तुम्हें तो पता होगा श्याम सुंदर कहाँ। जब पृथ्वी के ऊपर देखे, कल बता रहा था तीन तरह का गोपियां, गोपियां तो पांच तरह का है लेकिन उसमें विशेष करके तीन तरह का स्वपक्ष विपक्ष और तटस्थ। कहते कोई राधा रानी पक्ष, कुछ कृष्ण पक्ष, कुछ उभय पक्ष है। अभी जो कृष्ण की चरण सेवा सब गोपियां करती हैं और कृष्ण का चरण में क्या क्या चिन्ह उनको पता है, लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर देखे कृष्ण का चरण चिन्ह को उन्होंने देखा, बोले तो कृष्ण तो इधर ही गए। लेकिन जब थोड़ी दूर गए देखा दोनों चरणों के बीच में एक सुंदर छोटी सी किसी किशोरी की चरण चिन्ह, लेकिन ये चरण चिन्ह को सब नहीं समझ सके, जो केवल स्वपक्ष गोपियां
जो राधा रानी के चरण की सेवा करने वाली, वो उनके चरण में क्या चिन्ह उनको पता है, वही लोग केवल देख करके समझ गई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं, राधा रानी ही समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जैसे दो पक्ष में लड़ाई हो, अगर एक पक्ष जीत जाए ना, वो शंख बजाता है, विजय हमारी हुई है। ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, कहिए, प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। जो राधा रानी की निकुंज में रहने का ग्रह करके भगवान की समस्त लीला को दर्शन की, कभी कभी राधा रानी भी कृष्ण स्वरूप मानकर जिनको चुंबन करती थी, जिनकी राधा जी के अधरा मृत जिनके थ्रोट में लगा हुआ है। इसलिए ये श्री भागवत पढ़ते ना, श्री सुख उच ये मध्यपति लोप है, बोले श्री को बीच में एक प्रिया है, श्री प्रिया सुख, ये राधा रानी की ये प्रिय सुख श्री सुखदेव गोस्वामी। इसलिए इन्होंने जब उन्होंने ये चरण चिन्हों को देखा, बोले अनाराधित नुनम भगवान हरिश्वर, जितने गोपियों में यही गोपी ही कृष्ण का सर्वोत्तम रूप में सेवा की, इसलिए कृष्ण सबको छोड़ करके केवल श्री इन्हीं को लेकर गई। बोले कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। जब उन्हें और थोड़ी दूर गए, वो चरण चिन्ह ही नहीं, बोले ये चरण चिन्ह कहाँ गया। एक गोपी कहती ये तो हृदय में और भी पीड़ा देने वाले, बोले क्यों, बोले कृष्ण के चरण देखो दबा हुआ, मतलब क्या, बोले उसने कृष्ण को राधा रानी को उन्होंने गोद में उठा करके लेकर गए, इसलिए दबा हुआ। ऐसे करते 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 जब जा रहे थे, इतने में कृष्ण तो राधा रानी को निकुंज में बैठा करके उनको श्रृंगार कर रहे थे, इतने में कृष्ण बोले राधे चलो हम जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर गोपियां आकर के देख लिया मैं तुमको लेकर के अकेला आया हूँ, फिर तो ये रास नहीं असंभव है, सबको अंदर में ईर्ष्या भावना आ जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी चलो। राधा रानी बोले मैं चल नहीं सकती हूँ, जैसे मेरे को रासों से उठा करके लाए हो ऐसे ले लो। राधा रानी ऐसे क्यों बोली, इसका कारण बताए, बोले ये गोपियां है कौन, बोले ये गोपियां कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं बल आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाबीर एवं निज रूप कलातया भी। कति गोपियां और गई नहीं, राधा रानी ही एक एक भाव को उन्होंने एक एक गोपी का रूप धारण दिया है। कति ये आनंद चिन्मय रस की ये एक एक प्रतिमान मूर्ति श्री ये ब्रज गोपियां हैं। इसलिए राधा रानी सोच रही है मैंने बड़ा अन्याय की है, जैसे मैं सब कुछ छोड़ करके कृष्ण प्रेम में दीवानी बन के कृष्ण के लिए आए हूँ, ये भी तो ऐसे आए कि तो मेरी कायब भी हो है, मेरी प्रकाश है, लेकिन मैं कृष्ण को लेकर के अकेला आनंद ले रहा हूँ और ये सबके सब विरह में रो रहे हैं। राधा रानी सोची मैं अच्छी काम नहीं की। राधा रानी सोच रहे थे अगर मैं बोलूं मेरे को उठा करके ले जाओ, हो सकता है कृष्ण मेरे को थोड़ा मनाएंगे, गोपियां पहुंच जाए तो फिर हम ये महाराज करेंगे। इतने में राधा रानी जो बोली क्या मेरे को उठा करके ले जाओ, मेरे कंधे पर बैठो। जो बैठने के लिए गई वहीं पर कृष्ण तथरिव अंतर दिया थे। वही उसी समय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का नाम को ले लेकर के वहीं पर उन्होंने वो बेहोश हो गई। फिर ब्रज गोपियां आकर के राधा रानी को जो होश करवाए, बोले देखो राधे तुम्हें भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए, भला मुझे भी छोड़ करके चले गए। बोले देखो कृष्ण को उनका भजन बड़ा प्यारा है, क्योंकि उपनिषद कहता है ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मे भया न बहु न श्रुते न। इसलिए उपनिषद कहते हैं अगर वो भगवान को पाना चाहते हो, बोले ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से नहीं मिलते, वो विद्वान से विद्वता से नहीं मिलते हैं, बहुत सुनने पर भी नहीं मिलते, कैसे मिलते हैं, सही जाने जा रहे देहो जनाए, उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको जनाते हैं, लेकिन वो जनाएंगे कैसे,
बोले कलियुग में भगवान स्वयं कहते हैं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वही रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ कर मेरे कीर्तन करते हैं। कीर्तन भगवान को सबसे प्रिय भगवान की कीर्तन है। बोले चलो कीर्तन करेंगे। बोले कहाँ पर करेंगे? बोले जमुना किनारा में बैठ करके। वहां पर दो कारण बताए। पहला कारण बताए, अगर अंदर में कीर्तन करेंगे जंगल में, इसके आवाज दूर तक नहीं जाएगी। अगर जमुना किनारे में बैठ करेंगे खोली में, आवाज बड़े दूर तक जाएगा। कृष्ण जहां रहेंगे वहीं आकर प्रकट होंगे। दूसरा कारण बताइए, यमुना कौन है? यमुना, ये यमुना कोई साधारण जल नहीं है। ये यमुना स्वयं राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर बहती है, इचिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लधा नाम अभेत्री है। इसलिए ये यमुना कोई साधारण पानी नहीं, ये स्वयं ये अनुराधा है। ये विशाखा सखी स्वयं ये यमुना, ये कालिंदी है। ये राधा रानी के सारे गुण एक अंदर में विद्यमान है। जब राधा रानी नहीं रहती ना, उसका काम ये यमुना स्वयं करती है। यमुना विशाखा काम करती है। बोले इनकी कृपा के बगैर कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसलिए चलो हम यमुना किनारा में बैठी करके ही उनका कीर्तन करेंगे। देखो और एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। ये यमुना कैसे राधा कृष्ण को मिलन कराती है? बोले एक समय राधा रानी कृष्ण से बोलती है, बोले हे श्याम सुंदर, मैं हर समय मान करती हूँ, आप मेरे को मनाते हो। एक दिन आप ही मान कर मैं आपको मनाऊंगी। कृष्ण बोले थोड़ी ऐसे पुरुष लोग थोड़ी मान करते हैं, मान तो स्त्रियां करती हैं और पति उनको मनाती है। बोले एक बार तुम मान करो ना, मैं कोशिश करती हूँ आपको मनाने के लिए। इतने में कृष्ण बोले ठीक है। इतने में कृष्ण मान करके बैठी गई। जब बैठ गए इतने में राधा रानी मनाने के लिए कोशिश की, लेकिन कृष्ण का मान नहीं, मान कृष्ण का मान उतर नहीं रहा है। क्योंकि देखो अगर सचमुच से कोई सोया हुआ होगा ना, उसको जगा सकते हो। जो जानबूझ करके सोया होगा, जगा हुआ जो सोया होगा, उसको आप जगा नहीं सकते हो। मान का तो कारण होनी चाहिए ना, बिना कारण से थोड़ी मान होता है। बहुत कोशिश की राधा रानी, किसी तरह से कृष्ण का मान को उन्होंने मना नहीं सकी। बोले मैंने क्यों बताई मान करने के लिए? इतने में गई है यमुना के पास में। बोले कालिंदी ऐसे ऐसे बात है। कालिंदी बोली मैं तो चुटकी बजाते ही कृष्ण का मान उतार दूंगी। बोले मत उतार दोगे? राधा रानी बोले अगर उतार दोगे ना, मैं जीवन भर के लिए तुम्हारी मैं ऋणी बन जाऊंगी। इतने में यमुना ने किया कि यमुना में देखने में काली है, उतने उसने कृष्ण का रूप धारण किया। आप देखना जब कोई लड़की, जब उन्होंने लड़का का रूप धारण कराओ ना, बहुत सुंदर लड़की तो वैसे सुंदर ही है, और यमुना भी बड़ी सुंदरी कालिंदी, वो देखने में काली, इतनी सुंदर उन्होंने कृष्ण का रूप धारण की। मोर मुकुट बंसुरी चोटी और पीतांबर पहनी, इतनी सुंदर लग रही थी। जब यमुना स्वयं प्रकट हुई, वो कृष्ण से भी ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। लग रहा था यही असली कृष्ण है, ये नकली कृष्ण है। उनको देख करके कृष्ण बोले ये कौन है? ये तो एकदम मेरे से भी सुंदर ही लग रहा है। क्या मेरी मैया ने कोई जमज संतान जन्म दी थी मेरे को, मेरे पास में उसने बोली नहीं? इतने में जितने सखियां थी ना, असली कृष्ण को छोड़ करके वो नकली कृष्ण को पीछे भाग गए। कृष्ण तो अकेले हो गए। बोले ये क्या हो गया, इस सबके सब मेरे को छोड़ दिए। इतने में कृष्ण जाकर के यमुना से बोले बताओ तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूँ। बोले तुम भी कृष्ण और मैं भी कृष्ण हूँ, इसलिए दोनों दोनों को हम मिलते हैं। जब कृष्ण यमुना से मिले है ना, जब मिले जो आलिंगन ने क्या देखा, ये यमुना नदी, ये श्री कालिंदी, ये यमुना नदी है, ये स्त्री है। फिर कृष्ण का मान उतर गया। तब से राधा रानी यमुना से वरदान दिया है। बोले तुमने श्याम सुंदर का मान को तोड़ करके हमको मिलन करा दिया। इसलिए यमुना नदी की कृपा से क्या होती है, राधा कृष्ण का जुगल मिलन होता है। बोले श्री यमुना महारानी की, बोले श्री कालिंदी की जय। जब उन लोगों ने बैठ करके यमुना किनारा में जो उन्होंने गीत गाए ना, उसका नाम कहते गोपी गीत। ये गोपी गीत में इतने शक्ति है, कहीं भी ये गोपी गीत को गाया जाए, कहते ठाकुर जी रह ही नहीं सकते। ठाकुर जी को वहां प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग घर में अलग अलग जब स्तुति गाते होंगे, लेकिन कोशिश करना ये गोपी गीत को घर में गाने के लिए। जिस घर में गोपी गीत गाओगे ना, बांके बिहारी कहीं भी नहीं रह सकते हैं। बांके बिहारी जी को वहां प्रकट होना ही पड़ेगा। इसलिए
हमारे जो गोस्वामी लोग एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनको फिर टीका लिखे कहते उन्होंने एक एक श्लोक को फिर दो दो अर्थ दिया है मतलब वो ऐसे भजन है कीर्तन है एक श्लोक को फिर दो दो भजन किया है दो दो अर्थ किया है एक श्लोक है बोले तब कथा अमृता कृष्ण को स्तुति करके और दूसरा जो अर्थ है प्राण मार करके जैसे किसी पति ने पत्नी से बोले हंसी दिले कि मैं देखो तेरे लिए ऐसे सूट सलवार ले आऊंगा तेरे लिए बढ़िया गहना में ला दूंगा लेकिन पति ने ला करके दिया नहीं पत्नी तना मरती है ना बोले वाह कितने सूट सलवार आपने पहनाया कितने गहना आपने धारण कराया कितने सुंदर कभी ताना मारती है ना लेकिन ये ताना में भी बड़ा सुंदर है पत्नी जब ताना मारती पति को पति भी बड़े सुंदर होता है पत्नी पति को भी अच्छा लगता है उसी तरह इसी एक श्लोक में एक अन्य और व्यतिरिक रूप में एक स्तुति पर अर्थ और एक ताना मारते हुए लेकिन जो ताना मारते हुए जो अर्थ है ना ये बड़ा सुंदर है देखो एक श्लोक का किसी दो दो अर्थ होता है बोले तब कथा अमृत है श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है वो अमृत है ये कथा अमृत को अगर कोई पान करे तो क्या होगा भागवत को बताया ना ये अमर कथा ये भवसागर से पार हो जाएगा इसलिए लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है गोपिया कहते कौन कहता है तुम्हारी कथा अमृत है तुम्हारी कथा अमृत भी है विष है इसलिए गोपिया कहते सावधान ये बाबा को चक्कर में मत पड़ा करो ये बगल में भागवत दबा करके ना कहते भैया फ्री में कथा सुनाएंगे तुमको लेकिन ये कथा सुनाते 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 ऐसे पागल बना देते हैं ना खुद का भी घर ठिकाना नहीं और सबको भी पागल बना करके वृंदावन ले जाते हैं और सबको भी बाबा बना देते हैं इसलिए कहते भैया ये कथा अमृत नहीं ये कथा अमृतम जो सुनेगा वो मरेगा घर बार छुट जाएगा और राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल है तब कथा अमृतम बोले तप्त जीवन एक अर्थ होता है जो कथा सुनेगा तुम्हारे जो उत्तप्त जो जीवन है जो कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई पति से दुखी कोई पत्नी से कोई सास से कोई ससुर से दुखी दुखी लेकिन वो कथा जो सुनेगा उसका जो संसार का समस्त दुख उसकी खत्म हो जाएगी संसार में कोई दुख कष्ट उसकी नहीं रहेगी जो भगवान की कथा को सुनेगा गोपियां कहते कौन कहता है उसकी कथा सुन करके शांति मिलता है हम लोगों को देखो ना जब से कृष्ण कथा नहीं सुने तब तक घर गृहस्थ में सही थे लेकिन जब से उसकी कथा सुने हैं पता नहीं अंदर में क्या आग लगाया दिन भर कृष्ण विरह में तड़पड़ा रहे कब कृष्ण से मिलेंगे कब कृष्ण से मिलेंगे उसके लिए हम पागल हो गए जब तक कृष्ण की हमने कथा नहीं सुने तो घर गृहस्थ में मन लगा देते थे लेकिन जब कथा सुने ना हमारी और घर गृहस्थ में हमारी मन नहीं लगती है वही हमारी रो मुरो में कणकण में उसने ही बैठ गया इसलिए हमारे टीकाकारों ने ये हर श्लोक को उन्हें दो 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 तरह का अर्थ किया अद्भुत रूप में अगर कभी सौभाग्य हो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए हैं क्या इनकी टीका भागवत ऊपर में जब तक इनकी टीका कोई नहीं पढ़े ना समझो उसकी भागवत पढ़ना पूरी नहीं है उनका पूरी नहीं बेणुवीत ऊपर में जो जन्मादश श्लोक ऊपर में उन्होंने जो व्याख्या किया ना एक तो कृष्ण पर का व्याख्या और जो राधा पर का जो व्याख्या करता अद्भुत रूप में समझो उनकी टीका पढ़े बगैर जगत में कोई रसी के बन ही नहीं सकते कभी अगर सौभाग्य हो उनकी टीका को पढ़ो उन्होंने टीका में क्या व्याख्या क्या अद्भुत व्याख्या क्या उन्होंने ये जो पूरी जो भागवत हम जो सुन रहे हैं उन्होंने जो टीका उन्होंने लिखा भागवत ये रासलीला के ऊपर में अद्भुत रूप में टीका है कभी सौभाग्य हो जो थोड़ी रसी की भक्त हो जो थोड़ी संस्कृत ज्ञान जिसको हो थोड़ी सी शास्त्र में प्रवेश करना चाहते हो जरूर उनको टीका पढ़ देखो इसमें कितने आनंद है बोले श्री वृंदावन बिहारी गोपी दो चार गीत गोपी गीत गा लो आप लोग दो चार गोपी गीत को सुन लो प्रभु जी को पीछे पीछे सुन लो Ah
कृष्णा मनमथ का मनमथ रूप लेकर के ब्रज गोपियों के बीच में ठाकुर जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही कुछ गोपियां तो जाकर के ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, कुछ कोई गल बहनिया दी, कुछ गोपियां उनके तांबुल मांग रही थी, कुछ गोपियां दूर से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन एक गोपियां दूर से एका भ्रुकुटि मां बद्ध प्रेम समृद्ध विहोला, एक गोपियां तो टेढ़ी भौंहें करके तेरी नजर से क्रोधित होकर के दर्शन कर रहे थे। कल कल हम लोग श्रवण कर रहे थे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी किसका नाम को नहीं लिया, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी एक संत हुए जिन्होंने सबका नाम ले लेते। बोले जो भगवान की चरण को पकड़ रखी थी वो कौन? बोले ये चंद्रावली की दल है जो दूर से देख रही थी ललिता विशाखा, लेकिन जो अकेली जो खड़ी होकर के देख रही थी कृष्ण केवल जिनको तरफ में देख रहे थे श्रीमती ये राजा रानी हैं। इसलिए उसी समय में गोपियों ने अपना उत्तरी को उतार करके भगवान को आसन दे करके बैठाई और कृष्ण को प्रश्न करते हैं। बोले कृष्ण जगत में तीन तरह के लोग हैं, जो भजन करते हैं जो उनको भजन करने वाले, जो भजन करते हैं उसको करने नहीं करने वाले, और जो करते हैं नहीं करते जिसको साथ में जिसका कोई संबंध नहीं। बताओ तो ये तीनों में तुम कौन हो? बोलो जो भजन करने पर भजन करते हो बढ़िया है। जैसे किसी दुकान में जाओ 100 रुपया लेकर के, 100 रुपया दो, 100 रुपया का माल दे दिया, उससे कोई संबंध नहीं। दूसरे तरह का ही करे नहीं करे तभी करते हैं, बोले ये पिता माता है, कभी ये पिता माता है।
कहते इसका मतलब क्या, तो ध्यान देकर सुना। कहते पिता माता ऐसे एक व्यक्ति होते हैं, देखना बच्चे भले ही जितने नालायक हो जाए, भले ही पिताजी को जितने अपमान करे, जो कुछ करे, लेकिन देखना पिता माता के हृदय ऐसे है, वो कभी अपना बच्चे को भूल नहीं पाते। तब भी कहते हैं भैया ये तो मेरे बच्चे हैं, जो कुछ होने पर भी मेरे बच्चे हैं। इसलिए नियम है हमें पिता माता की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्योंकि जिस माता ने तुम्हें 9 महीना तक गर्भ में धारण की, कितने में प्रसव क्रिया को सहन की, मुंह की खाना निकाल करके तुमको खाना खिलाई, इसलिए कभी हम इनका ऋणी, कभी भी पिता माता का ऋणी हम कभी नहीं उतार सकते। ऐसे घर में शादी हो गई, घर में बहू आ गई, और एक रात में ऐसे मंत्र से दूसरे दिन बेटा का बुद्धि था। देखो एक छोटी सी कहानी सुनो, पिता माता कैसे सेवा करनी चाहिए, जितना बहू या चित्र सुन लो। बोले एक समय क्या हुआ, एक जैसे घर में कभी सास बहू की थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, एक दिन उसकी बहू ने बोली अपना पति को, बोले देखो मैं तुम्हारी पिता माता को साथ में रह नहीं सकती, मैं तो अपना पीहर जा रही हूँ, बोले जब तक तुम अकेले नहीं होगे ना तब तक मैं घर में नहीं आऊंगा। इतने में बेटा अभी बीच में फंस गया, बेटा ने जाकर के मैया को बोले मैया मेरी पत्नी ऐसे कहती है जे अगर मैं तुम्हारी साथ में रहूंगा तो वो रहेगी नहीं, अच्छी बात हम अलग रहते हैं, इसलिए देख मैया जन्म से लेकर अभी तक तुम मेरे पीछे जितने पैसा लगाए जो कुछ की तुम हिसाब करके बता दे, मैं तुमको सारे पैसा दे देती, सब पैसा दे देता हूँ हिसाब करके बता दे। बोले देख बेटा मैं तो बूढ़ी हूँ, अब इतना हिसाब किताब तो आता नहीं, 1 महीना मेरे को समय दो। बोले कोई बात नहीं तू 2 महीना ले ले, लेकिन हम दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तुम अलग रहो। ठंडी का समय था, इतने में बेटा सो रहा था, मैया ने रात को आकर के लोटे में एक पानी लाई और एक तरफ में डाल दी तो गधा भीग गया, इतने में वो दूसरे तरफ में पलट करके सो गया। थोड़ी देर बाद में उसने फिर की दूसरे तरफ में एक लोटा पानी लाकर डाल दिया, जब डाल दी तो नींद खुल गई। बोले क्या कर रहे हो, इतने तंग क्यों कर रहे हो मेरे को, देख नहीं रहे हो ठंडी का समय में सो रहा हूं। बोले बेटा तुमने बताया ना जन्म से लेकर अभी तक मैंने तुम्हारे पीछे जितने पैसा लगाया जो कुछ मैंने की उसको हिसाब दे दे, मैं एक रात का हिसाब में दे रही थी, एक रात का हिसाब में दे रही थी। तो जो छोटा बच्चा था ना, जब तू टाटी पेशाब करता था, गीला करता था, मैं क्या करती थी, मैं फिर करवट लेकर दूसरे तरफ में सो जाती थी, फिर जब तुम टाटी पेशाब करते था फिर मैंने दूसरे तरफ में सो जाती थी, और तेरे को मैंने सुखा में सुला करके मैंने गिली में, ऐसे कितने साल तक तुमने ऐसे टाटी पेशाब की और मैंने ऐसे जीवन बिताया, मुंह की खाना निकाल के तेरे को मैंने खाना खिलाया, और तुम कह रहे हो तुमको जन्म से लेकर के अभी तक जो तुम्हारे पीछे मैंने खर्चा की उसको खर्चा दे दो, एक रात का खर्चा में जो हिसाब में ले रहे थे। इतने में सुनते ही ना बेटा का सारे बुद्धि ठिकाना पर आ गई, आ करके मैया को चरण में गिर पड़ा, बोले मैया मैं कभी भी तुम्हारी ऋणी से कभी रोनी और ऋणी हो ही नहीं सकता, इसलिए भैया हम कभी भी पिता माता के ऋणी से, यहाँ पर कौन कह रहे, ये कृष्ण खुद कह रहे ये बात को, कहते ये पिता माता है, आप करो नहीं करो तभी पिता माता, देखना बच्चे के लिए कितने परिश्रम करते हैं, जी जान लगा देते हैं, लेकिन जब घर में जो बहू एक आ जाए बस ऐसे मंत्र दे के बेटा को बुद्धि खराब, भैया कभी भी हम पिता माता के ऋणी से ऋणी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हर समय क्या करो। इसलिए भगवान राम स्वयं सवेरे उठ करके क्या करते थे, बोले प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता, ठाकुर जी सवेरे उठ करके पिता माता की चरण की पूजा करते थे। अब रामायण देखे होंगे जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान स्वयं जा करके पिताजी के चरण की सेवा करते थे। देखो अगर हम अभी अपना पिता माता की सास ससुर की सेवा करें, हमारा बच्चा भी देखेगा मेरी पिता माता जी कैसे हमारे दादा की सेवा करते थे, वो भी तो हमारी ऐसे ही सेवा करेंगे, अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वो हमारी सेवा कैसे करेंगे। इसलिए भैया हर समय पिता माता को सेवा करनी हमें चाहिए, लेकिन कभी कभी ये सास बहू में लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई हो जाती है चीज को समझो, कभी कभी जो सास है ना बहू को बेटी नहीं मान करके वो बहू मान लेती है,
क्या मांग लेती हैं? अरे बोलो, बहू मांग लेती हैं। जो बहू सास को माँ नहीं मान करके मांग लेती है सास, इसलिए जितने लड़ाई का कारण है। अगर सास अगर ये मांगने लग जाए ये मेरी बेटी है, अगर बहू अगर अपना सास को अपना माँ मांग लग जाए ना, सारी लड़ाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देखो खत्म हो जाएगी नहीं? हाँ देखो, जितने सास है, जितने सास है, आपको एक ही उपदेश है, अच्छे तरह से ध्यान करो। हम क्या करते हैं, बेटी के लिए जितना करते हैं बहू के लिए उतना नहीं करते, ये लड़ाई का जितने कारण है। सास क्या करती है, छुपा छुपा करके बेटी घर में सब पहुंचाती है, बाहर कहीं गई देखना बहू के लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन अपना बेटी के लिए करेगी। अगर सास अगर बहू को अगर बेटी माने तो क्या करनी चाहिए, जब बाहर जाओ जैसे बेटी के लिए कुछ करती हो, बहू के लिए तो कुछ लाओ, तो बहू अपना मानेगी। देखो अगर कभी सास नाना नानी बन सकते हो तो बेटी के लिए नहीं बनोगे नाना नानी, बहू के लिए, तुम बहू की वजह से एक दिन तुम नाना नानी बन सकते हो, तभी तुम्हारी खानदान चलेगी। बेटी के लिए तुम्हारी खानदान नहीं चलेगी, वो बहू के लिए। लेकिन सास भी कभी कभी गड़बड़ कर देती है, वो अपना जो बहू को ना अपना बेटी के लिए जितना करती है अपना बहू के लिए नहीं करती। इसलिए यहाँ पर जो साड़ी ले आएगी बेटी के लिए बढ़िया साड़ी ले आएगी, बहू के लिए घटाई साड़ी ले आएगी, फिर कैसे काम चलेगा, इस जितने सारी गड़बड़ी के कारण है। इसलिए जितने माता है ना, इसलिए क्या करो, बहू को जैसे बेटी के लिए कहीं बाहर जाओ तो बहू के लिए कुछ चीज लेकर के आओ, जैसे बहू समझे नहीं मेरे सास ससुर जी मेरे को ध्यान रखते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, क्या बारिश हो रही क्या है, बोले से वृंदावन बिहारी लाल है, इसलिए वहां पर बताए, देखो जल जल खत्म कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए, देखो तीन तरह के भक्ति, एक होते हैं करण नहीं कर तभी कोई मतलब नहीं, वो चार तरह के हैं, आत्माराम आपका काम गुरुद्रोही अकृतज्ञ। गोपियों ने बोले लगता है तो गुरुद्रोही अकृतज्ञ है, तुमने बंसी ध्वनि करके हमको सबके सब भुलाए और बीच है जंगल में तुमने छोड़ करके चले गए हो, इतने में कृष्ण कहा नहीं मैंने कभी ऐसे नहीं की है, इसलिए तुम लोग मेरे को ऐसे मत समझो, प्रेम की दो पहलू, एक मिलन और एक विरह, इसलिए केवल तुम्हारी प्रेम को दुनिया में दिखाने के लिए मैंने ऐसे की, मेरे को ऐसे मत किया करो। जब भगवान ने अच्छे तरह से समझाए, फिर उन्होंने भगवान महारास किए, जिस महारास में स्वयं शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं, बोले श्री गोपीश्वर महादेव की। देखो हरि अनंत हरि कथा अनंत है, भगवान की कथा की कोई आर बात नहीं है, इसलिए ये बारिश आ रही मतलब ये अच्छे बात है, क्योंकि कथा का अंतिम में बारिश होना मतलब है ये देवता लोग भी प्रसन्न होकर के पुष्पों की ये बौछार कर रहे हैं। देखना सात दिन में कथा नहीं हुई, अंतिम समय में बारिश नहीं, अंतिम समय में कथा के अंत में बारिश इनको शुभ मानी जाती है, हैं? ये देवता लोग प्रसन्न हुए हैं, इसलिए ये कथा में कोई तन से कोई मन से कोई धन से आप लोगों ने हर तरह से आप लोगों ने मदद किया है, तभी ये कथा पूर्ण हो पाई है। इसलिए जिन लोगों ने ये कथा में किसी ना किसी तरह से इसमें मदद किए हैं, मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी आप इनको सुख शांति दो, इनकी भक्ति दो, अपना प्रेम दो, इनको सेवा दो और ये लोग खूब फलते फूलते रहे। इसलिए जो लोग कथा में आए हैं, जो लोग कथा में आए आप लोग सब परीक्षित हैं, जैसे ये पैंडल बना दिया सब कुछ व्यवस्था कर दिया, लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी आ गए लेकिन अगर परीक्षित नहीं होता तो कथा क्या हो सकती थी, नहीं। इसलिए आप लोग कौन हो, आप लोग सबके सबसे परीक्षित महाराज है, इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोर से जितना जोर से बजा सकते हो। अब देखो इन्हीं कथा में जैसे यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग आए हैं, यहाँ पर अंदर में मूल पाठ कर रहे थे, समस्त देवा देवियों को लोग अंदर में पूजा कर रहे थे। मनोज प्रभु जी आ जाओ, मनोज कहाँ है, मनोज जी कहाँ है, ऊपर में इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ इधर। हाँ इसमें हमारे जो हमारे ब्राह्मण भाई लोग अंदर में यज्ञ कर रहे थे, पूजा सेवा कर रहे थे, ये लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी, ब्राह्मण को ये पृथ्वी की देवता बताया, भूसुर बताया,
भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का देवता कौन है? ये ब्राह्मण है। इसलिए भगवान को कहते नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ये भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा जी की चरण की सेवा स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। ये पृथ्वी की ये देवता है। इसलिए आप जितने ब्राह्मण लोग इसमें ठाकुर की सेवा पूजा यज्ञ हवन कर रहे थे, अब इन्हीं के लिए भी जोर से ताली बजाओ। ठाकुर जिनको शांति सुख और इनको धरती प्रदान करें इनको। और इन्हीं कथा में जो हमारे जो म्यूजिक वाले भैया देते हैं, कहाँ है म्यूजिक वाले, इसलिए उन्होंने भी बहुत बढ़िया माइक बजाया। अगर ये नहीं होता तो हम तो इतने जोर से बोल नहीं सकते थे, इसलिए इनके लिए भी ताली बजाओ। और हमारे हमारी साथ में हमारे जो कलाकार हमारे श्री श्याम बाबू जी जो जिनके अंगुलों को ऊपर में आपको उन्होंने नचाया करते थे, ये ब्रजवासी है, इनके लिए भी ताली बजाओ। अरे हमारे सीता भैया कृष्ण की सखा जो बड़े सुंदर ढोलकी बजाया करते थे, हमारी साथ में हर समय हमारे साथ में रहते हैं। ये लोग गुरु जी की बड़े सेवक है श्रीकांत प्रभु जी, इनके लिए भी ताली बजाओ। अरे हमारे यहाँ श्यामानंद प्रभु और गौर सुंदर प्रभु जी, ये लोग भी हमारी हमको बीच बीच में कथा सुनाया करते हैं। हम भी चाहते हैं हमारी बात में भी हमारी सनातन धर्म हिंदू धर्म आगे भी धीरे धीरे फैले, सर्वत्र हमारी हिंदू संस्कृति सर्वत्र प्रचार हो। हम भी कोशिश करते हैं ये दोनों को ट्रेनिंग दे करके ये दोनों ही जगत में हमारी भक्ति धर्म को प्रचार करें। इसलिए आप इसको बच्चे लिखे बड़े बड़े बीटेक किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए आप इनको सबके सब आशीर्वाद हृदय से दो, जैसे ये लोग भविष्य में हमारी सनातन धर्म हिंदू धर्म को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करें, ठीक है। और इन्हीं कथा में हमारे श्री मनोज प्रभु जी हैं, जी मनोज कुमार जी शर्मा, इन्होंने अपना पितृपुरुष को उद्देश्य में पिताजी का नाम क्या है श्री दिलाराम शर्मा जयपाल शर्मा, इसलिए उन्होंने अपना पिताजी की उद्देश्य में पिताजी आत्मा को शांति मिले, इसलिए उन्होंने ये भागवत कथा को रखवाई। ये भागवत कथा की बड़ी महिमा अब तो पहले सुने होंगे। जब श्री गोकर्ण ने धुंधुकारी के उद्देश्य में उन्होंने गया में पिंड देकर के घर में आए, देखा फिर वो प्रेत बनकर के बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर गया में मैंने पिंड दिया, भगवान का वरदान है। गया में कोई जाए वहां पर श्री भगवान का चरण चिन्ह है, वहां पर कोई पिंड देने पर पितृपुरुष को उद्धार हो जाता है। लेकिन देख करके जब आए देखा तभी वो प्रेत बनकर के बैठा हुआ, बोले तेरे उद्धार नहीं हुआ, बोले भैया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दो तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति कैसे कब मिली, जब सूर्य देवता को प्रश्न की बोले ये भागवत कथा सुनाओ ये भागवत से ही मुक्ति मिलेगी। मतलब इतने भागवत की शक्ति है, जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार आकर के ये भागवत में बैठ जाए तो भागवत श्रवण से उनको संसार बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमारे मनोज जी अपना पितृपुरुष को उद्देश्य में, मनोज मैया का नाम क्या तुम्हारी, सावित्री देवी, बड़े अच्छी नाम है। इसलिए सावित्री माता जी और तुम्हारी बहू का नाम पूनम देवी, इन लोगों ने देखो हर तरह से तन मन और धन सब कुछ दे करके इन लोगों ने रोज रोज सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया, सभी के लिए रहने की व्यवस्था किया, हर तरह से उन्होंने ये कथा को सफल मंडित किया। तभी अंतिम समय में कथा विश्राम में बारिश हुई है, मतलब देवता लोग तभी बारिश कर रहे थे जब प्रसन्न हो करके। इसलिए लोग के पास में पैसा तो होता है लेकिन ये पैसा को सचमुच से किसी भक्ति का काम पर लगाओ, जगत का कल्याण के लिए भागवत कथा के लिए लगाओ ये काम में, तो भगवान जिसकी सेवा स्वीकार करते हैं वही ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं। इसलिए आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ, श्री मनोज प्रभु के लिए। इनकी कुछ पूर्वज लोग हैं, इनके नाम को मैं पढ़ देता हूँ, इनका पूर्वज कुछ लोग हैं, पूर्वज के लोग हैं ये इनके भाई हैं, यहाँ तक ये इनके पिता हैं, यहाँ तक आगे दादा हैं, ये इनके भाई हैं। श्री मनोज कुमार शर्मा
और श्री दिलाराम शर्मा, लखुराम शर्मा, जयपाल शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, श्यामलाल शर्मा और श्री पवन कुमार शर्मा, कहिए सबके सब इनकी परिवार भाई लोग हैं। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, ठाकुर जी को भक्ति और इनको शक्ति प्रदान करें। और इनका जो स्वर्गीय जो इनकी जो परिवार के लोग हैं, श्री जयदेव शर्मा, सावित्री दीदी उनको पत्नी है, इसलिए श्री गीताराम शर्मा जी, प्रेम देवी उनको पत्नी का नाम है, कहते आशाराम शर्मा, सोमा देवी उनकी पत्नी है, लक्ष्मण दास शर्मा, जानकी देवी उनकी पत्नी है, राम दीता शर्मा इनको पिताजी, पिताजी शंकर देवी और इनको उनके जो दादा सबके सब सहज राम शर्मा, शिवराम शर्मा और सुदाम राम शर्मा। देखो ये सबका सब भगवान का नाम है, हमारे पूर्वज लोग ना सब जो नाम रखा करते थे ठाकुर जी का नाम पर रखा करते थे, इसलिए आप लोग भी ये संस्कृत को रखा करना, ऐसे अभी जैसे टुल्लू गुल्लू टिंकी पिंकी नहीं, राम नाम नहीं रखने चाहिए, ये विदेश में सो कुत्तों का नाम है, बच्चों का नाम कुत्तों का नाम पर मत धराया करो, इनका नाम ठाकुर का नाम पर धराओ, जितना बार कम से कम बच्चों को बुलाओ, कम से कम मुंह से ठाकुर का नाम निकले, जो सुने उसका भी कल्याण, जो बोले उनका भी कल्याण, जिस घर में ये प्रभु का नाम गूंजे ये घर के भी कल्याण है। कहते श्री जिन्होंने ये भक्ति धारा को यहाँ पर लाए है, कहते ये श्री राधाकांत प्रभु जी है, राधाकांत प्रभु जी और उनका पिताजी नाम है श्री नंदलाल शर्मा जी, इनका सुपुत्र है, इसलिए इन्होंने पहले वृंदावन गए थे दर्शन के लिए पढ़ने के लिए, तब उन्होंने वहीं पर प्रेरणा पाकर को संत बन गए थे, मंदिर में रह करके समस्त शास्त्र को उन्होंने अध्ययन किया, सारे शास्त्र को पढ़े लिखे, लेकिन संत थे, फिर बाद में फिर उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म को उन्होंने धारण किया, और उन्होंने चूंकि वहां पर संत थे और उन्होंने धीरे 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 कोशिश किया, श्री मनोज प्रभु को भी अपना धीरे धीरे इनका प्रिय दोस्त है, उनको धीरे धीरे इनको भी समझाया ये भक्ति धर्म, प्रेम धर्म, सनातन धर्म जगत में प्रचार हो, इसलिए धीरे 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 ये फिर इन्होंने के महिमा पता चला, तो बोले हम वृंदावन से संतों को बुला करके यहाँ पर भागवत कथा रखाएंगे और जगत में हमारी सनातन धर्म प्रचार हो, इसलिए हमारे श्री नंदलाल शर्मा पत्नी श्रीमती तृप्ता देवी इनके घर में हम रुके हुए थे, अब सोच नहीं सकते इन लोगों ने इतने हमारी सेवा की है, आपको सोच से भी बाहर है, सवेरे से उठ करके इतने बढ़िया बढ़िया रोज रोज इतने बढ़िया बढ़िया उनको प्रसाद बनाया करते थे, हम लोगों की हर तरह से इन लोगों ने सेवा की है हम लोगों को, इसलिए ठाकुर जी इनको खूब भक्ति भक्त प्रेम दो। भैया का नाम क्या इन्होंने जो आए इनका नाम बोला है ना, हाँ रमेश भैया जी और इनका परिवार लोग, इन लोगों ने तन मन धन हर तरह से इन लोगों ने सेवा की, और इनका जितने परिवार के लोग यहाँ पर जो भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपटित ध्यात आद्रितवा अनुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मं जानति विश्वद्रोहो अपि, कि वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसने कभी देवद्रोह कभी विश्वद्रोह क्यों नहीं किया हो, अगर कहीं भागवत कथा हो रही है कथा आदरितवा अनुमोदित, अगर आदर कर लिया अनुमोदन कर दिया भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, इतनी सी बोलने का साथ साथ ही कथा वो व्यक्ति समस्त पाप से मुक्त होकर के भगवत राज्य भगवत गति को प्राप्त करते हैं, इतने महिमा। इसलिए आप लोग ने जो आए कथा सुने, उनका जो परिवार के लोग सबके सब ये भागवत में आए हो, कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवत लभ्यम, कहते करोड़ जन्म का पुण्य होते होने पर तभी जीवन में ये भागवत कथा आपको हमको सुनने को मिलती है, भागवत की इतने महिमा। एक दो मिनट कथा सुन ले, ये भागवत की कथा है। एक समय कृष्ण के बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते हठाते का कुएं के अंदर में एक गिरगिट पड़ा हुआ, उन लोगों ने बहुत कोशिश की उसको निकालने के लिए, निकाल नहीं पाए, तब उन्होंने पिताजी पिताजी कृष्ण को बुलाया, बोले पिताजी देखो कितने बड़े गिरगिट पड़ा हुआ कुएं के अंदर में, कृष्ण सब जानते हैं, इतने में कृष्ण जब चरण बढ़ाया वो चरण स्पर्श होते ही वो जो गिरगिट था बड़ी सुंदर देवता रूप धारण किया,
बच्चे लोग आश्चर्य में पड़े गए, बोलिए क्या, ये तो गिरगिट बना हुआ था, ये किकला से ऊपर गिर पड़ा हुआ था। कृष्ण सब जानते हैं, बोले आप कौन हो, बोले प्रभु आप तो सब जानते हो, दुनिया का मालिक हो, आप सुने होंगे सत्यजीव में एक नृप नाम का राजा थे। बोले हाँ, वो तो पृथ्वी में बहुत बड़े धनी और उन्होंने इतने गैया उन्होंने दान किया ब्राह्मण को, पृथ्वी का धूल कण का कोई गिन सकते, बारिश का बूंद कोई गिन सकते, लेकिन उनका दान को कोई नहीं गिन सकते। गैया दान इतने गैया जिनका सींग को सोने में बढ़वा करके, खूर को चांदी में बढ़वा करके, बोले पहले ये दुर्गति क्यों हुई। बोले मैंने ब्राह्मणों को संकल्प करके दान देता था, मैंने एक ब्राह्मण को संकल्प करके एक गैया दान दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं चला वो गैया आकर के दूसरे गैया से मिल गए, मेरे को पता नहीं चला मैंने भूल से फिर संकल्प करके किसी दूसरे गैया को, दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। जिसको दिया था वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था, रास्ता में देखा, बोले ये गैया मेरी है। बोले नहीं राजा, अभी मेरे को दिया, बोले कल मेरे को दिया था, अभी मेरी करी करते करते लड़ाई हुई, अब राजा को पास में आए, राजा को तो गलती हो गई, चरण में गिर पड़े। एक काम करो, एक ब्राह्मण एक गैया ले लो, दूसरे को मैं 10 गैया दे देता हूँ, वो तो बात में अड़ गए थे। बोले नहीं यही गैया हमें चाहिए। बोले 100 गैया देता हूँ छोड़ दो। बोले नहीं 1,000 करोड़ लाख। बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए। लास्ट में दोनों ब्राह्मण अभिशाप दे कर गए, बोले गिरगिट जैसे रंग बदला रहे, एक बार दे करके तुमने फिर कैसे दोबारा दान दे दिया। बोले तेरे को गिरगिट बनना पड़ेगा। मरने का बात जब गया जमपुरी में चित्रगुप्त को, बोले कापी खोलो, बोले इसने तो इतने पुण्य किया अखिल स्वर्ग मिलेगा, लेकिन बीच में ये गड़बड़ी हुई, एक बार दान देकर दूसरों को संकल्प करके दान दिया, इसलिए उसको गिरगिट बनना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी पाप है। बोले बताओ ये दोनों में तुम क्या पहले लेना चाहता हो। पहले जब पाप थोड़ी सी, ये मेरे को पाप दे दो, ये कब का कथा, बोले सत्यजीव की कथा है, लेकिन सत्यजीव से लेकर के द्वापर के अंतिम तक उसको गिरगिट बनना पड़ा। क्यों, कभी कभी ये दान अगर कहीं गलत पात्र में दान हो जाए फिर इसका जो दुर्गति, बड़ा दुर्गति भोगना पड़ता है। इसलिए दान देते समय देख सुन करके दान देनी चाहिए, हम जो दान दे रहे हैं क्या सचमुच से ये भगवत सेवा संत सेवा में लग रहा है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, अगर गड़बड़ी हो गया, फिर बड़े गड़बड़ी है। अभी फिर यहाँ प्रश्न होता है, हमें टीकाकार लोग कहते हैं भैया दान का फल भगवत दर्शन नहीं, दान का फल स्वर्ग है। बोले कब तक स्वर्ग में रहोगे, बोले जागृत पुण्य न समाप्त है, जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं होगा तब तक स्वर्ग में खिन्न पुण्यम वर्तल को विश्रांति, फिर पुण्य खत्म होते यहीं पर आना पड़ेगा। लेकिन उसने तो पुण्य किया था, उसने कृष्ण दर्शन क्यों हुआ, देखो ये भागवत का कितना महिमा है। बोले एक समय कोई शुद्ध संत इनके घर में आए थे, राजा का स्वभाव था दान देने का, इतने में राजा ने पूछा बाबा तू आपको कुछ चाहिए। बोले एक भागवत ग्रंथ मेरे को दे सकते हो। उस समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, उन्होंने ताल पत्ते के ऊपर में 18,000 श्लोक को उन्होंने लिख करके उन्होंने ब्राह्मण को दिया और घर में एक बार उनको भगवान का प्रसाद खिलाया। जो उन्होंने एक शुद्ध संत का जो सेवा उन्होंने की, ये भागवत दान जो की, ये भागवत कृष्ण स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। वो संत ने भागवत लेकर के उन्होंने पढ़े तो उसका फल किया हुआ एक दिन साक्षात कृष्ण दर्शन उसको हुआ। क्यों, ये भागवत कृष्ण स्वरूप है, इतने महिमा ये भागवत कथा जो दान करते हैं उसकी इतने महिमा है, हम सोच नहीं सकते हैं भागवत कथा श्रवण दान करने का कितने महिमा। इसलिए हमारे मनोज प्रभु जी इनके परिवार वाले जो ये भागवत दान किया है, समझो इससे बड़ा दान कुछ नहीं। इसलिए गोपियां कहती हैं घुड़ीदा जना, जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है, बल्कि भगवत कथा को जो दान करते हैं इनसे बड़ा दानी जगत में कोई नहीं। इसलिए इन लोगों ने ये भागवत कथा दान की है, इसलिए ठाकुर जी जरूर इनको घर में कृपा करेंगे। और देखो जैसे हम लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, नियम है कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो,
नियम है। बोले भैया ले किया और दे के, बोले जितने गंदी चीज को यहाँ दे करके जाओ और यहाँ से भगवान की भक्ति ले करके जाओ। बोले गंदी क्या है? बोले श्री परीक्षित महाराज ने ये चार स्थान पर, उन्होंने कली को स्थान दिया, ये चार चीज गंदी है, ये चीज को छोड़ दो। पहला चीज जुआ नहीं खेला। दूतम परीक्षित महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ लेकिन ये जुआ खेल कर मेरे कितने सत्यानाश हुए। पहले राज्य गया, भाई गए, द्रौपदी को वस्त्र हरण देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक विराट राज्य में दासत्व करना पड़ा। काम धर्मराज भीम कितने नीचे उतार दिया। इसलिए कभी भैया ये जुआ के चक्कर में मत पड़ा करो, हैं? कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। ये जो शेयर कंपनी पंपनी है ना, बड़ी गड़बड़ी चीज है। इसलिए भगवान जो दिए उसमें सुख में रहो, खाओ रोटी दाल रोटी खाओ। इसलिए हम पहले बताए ना भैया, शराब जो पीते हैं उनका 3 लाभ है। क्या लाभ है? पहला लाभ वो बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ कुत्ते उसकी दोस्त बनेगी। मतलब क्या है? कहते बूढ़ा नहीं बनेगा, मतलब क्या? जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा ना, वो पी पा कर आधा उम्र में खत्म हो जाएगा फिर बूढ़ा कब बनेगा। चोरी, बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी, वो तो सब कुछ बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी किस चीज की होगी। फिर तीसरा लाभ क्या? कुत्ते दोस्त बनेंगे, रोड में पड़ा रहेगा और कुत्ते आकर के मुंह में पैसा। इसलिए ये सब गंदी चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए गुटका फुटका ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। गुटका का पहला अक्षर क्या बताओ तो? आप बताओ गुटका का पहला अक्षर क्या है? गू। ये गुटका नहीं, गू खा रहे हैं। गुटका से कैंसर हो जाती है, हैं? इसलिए गंदी चीज से दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये नस्ली वस्तु को परित्याग करना। और स्त्रियम, कहते स्त्रियों को ऊपर में ये कली का निवास। बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष, स्त्री और स्त्री पुरुष का संग करते हैं, संसार करो, शादी करके अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बिताओ। बिना शादी के जो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शास्त्र एकदम स्वीकार नहीं किया, सब चीज को ये बहुत गंदी चीज बताए। इसलिए ये सब चीज को छोड़ करके इससे पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथे चीज है जीव हिंसा, मतलब है जैसे मांस है, मछली है, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। ये सब के सब चार पाप का स्थान है। कोशिश करना इधर क्या मांस फांस कोई खाते सब मांस घर में नहीं घुसानी चाहिए, ये अपवित्र वस्तु है। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे, देखो जहाँ पर डेड बॉडी चल, जहाँ पर डेड बॉडी जलता है, आप बताओ तो उस स्थान को क्या कहते हैं? बोलो जोर से, शमशान। जब ये डेड बॉडी, जब मुर्गा नहीं तो बकरी मरने के बाद डेड बॉडी वो जब हमारे घर में आ करके पकना लग गया, पकने लग गए, फिर हमारे घर क्या हो गया? हाँ, जहां पर स्थान की क्या कहते हैं? कब्रस्थान। जब ये मांस मछली जब खा करके पेट में गाड़ दिया, शरीर तुम्हारी क्या हो गया? कब्रस्थान हो गया। अब देखना कहीं भैंस बैल मरने का बाद जब फेंक देते हैं, जहां पर फेंक देते हैं उसको यही सब खाते हैं ना। इसलिए भैया कहते हैं मरने का बाद ये सब चीज जो खाते हैं ना वो इंसान नहीं है, ये संत लोग हम समझाते हैं। इसलिए ये सब अपवित्र वस्तु से दूर रहो। यहाँ तक प्याज लहसुन भी मत खाओ। मैंने पहले बहुत कथा सुनाया, ये गौ मांस से प्याज बना है और जब भगवान सुदर्शन चक्र से वो दैत्य को मारे, जहां पर उसकी मांस गिरा वहीं पर प्याज और हड्डी से ही लहसुन हुआ। इसलिए ये अपवित्र वस्तु को, चार चीज को हमें छोड़ो और चार चीज को जोड़ो। बोले चार चीज क्या जोड़े? बोले पहला नंबर है आप लोग जरूर एकादशी व्रत को रखना, ठीक है ना। कौन कौन एकादशी व्रत रखे थे इस बार? हाथ उठा कौन कौन एकादशी व्रत रखे थे। हाँ, जिन लोगों ने नहीं रखे हैं अगली बार कोशिश करना एकादशी व्रत को जरूर रखने के लिए। एकादशी के महिमा, जितने महिमा उतना महिमा किसी बार व्रत की नहीं। कहते हैं कि तराजू लेकर के एक तरफ में जगत में जितने व्रत रखते हो उसको तराजू का एक तरफ में धर दो,
एक तरफ में एकादशी व्रत के धर दो, सारे व्रत हल्का होकर ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि एकादशी का अधिष्ठात्री देवता स्वयं वाक्य भी आए, स्वयं राम एवं नारायण है। जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने को मनाओ बोलो, एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठेगा, लेकिन अगर कृष्णा को अगर मना दिया तो सब कैसे अपने आप मान जाते हैं। जिसको पर में ठाकुर जी की कृपा हो, जा पर कृपा हरि की हो, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए जरूर एकादशी व्रत को, जैसे सोमवार नहीं रखोगे मंगलवार कोई पाप नहीं लगेगी, लेकिन एकादशी नहीं रखोगे तो पाप तुमको भोगना पड़ेगा। क्यों? अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं। इसलिए जरूर एकादशी व्रत को रखना। दूसरी चीज है, हर घर घर में जरूर ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए। किसके घर में ठाकुर जी, हाथ उठाओ तो, किसकी किसी घर में ठाकुर जी है? सबके घर में ठाकुर जी है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए घर में जरूर ठाकुर जी की, कृष्ण हो, भगवान राम हो, नहीं तो भगवान नारायण हो, नहीं तो लड्डू गोपाल हो, घर घर में जरूर ठाकुर जी की पूजा। देखो इसलिए मीरा कहती है ना, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, लागे वृंदावनानी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावनानी को, आली मोहे लागे वृंदावनानी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, घर घर गोविंद जी को, हरि मोहि लागे वृंदावनानी को, हरि मोहि लागे वृंदावनानी को, निर्मल नीरव यमुना को, निर्मल नीरव यमुना को, निर्मल नीरव यमुना को, निर्मल नीरव यमुना को, भोजन भोजन सही को, भोजन भोजन सही को, हरि मोहि लागे वृंदावनानी को, हरि मोहि लागे पूजा दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन जी को। जिस भी घर में तुलसी की पूजा हो, तुलसी है कि नहीं घर घर, हाथ उठाओ तो। कल हम सुन रहे थे ना, जब स्वयं कहते हैं किसको किसको ले आओगे, तो जिनके घर में तुलसी कटी नहीं है, जो उद्धव कुंडल तिलक नहीं लगाते उनको ले आने के लिए बताए। अगर गले में तुलसी कटी, कल बताया ना, एक पालतू कुत्ता और एक महिमा तुलसी की। इसलिए कहते जिसकी घर में जितने सुंदर तुलसी वृक्ष हो ना, कहते भक्ति समझो उतना बढ़ रही है, भक्ति को देने वाले तुलसी। इसलिए जरूर घर में तुलसी के पौधा लगाओ। जहां पर तुलसी के पौधा है ना, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी वहां पर नहीं आती है। अगर कहीं वज्र गिरता है ना, जहाँ तुलसी वृक्ष 100 मीटर दूर पर जाकर कहीं वज्र गिरता है, इतने महिमा ये तुलसी वृक्ष कथा है। बोले एक समय एक गुरु एक चेला रहते थे, अच्छे तरह से सुनो, एक गुरुजी एक चेला रहते थे। वो चेला अभी नया बड़ी छोटा बच्चा है। गुरुजी ने कहा, देख बेटा मेरे को कुछ दिन भगवान का सेवा कर लोगे, राम दरबार। बोले गुरुजी आपका आदेश होगा। गुरुजी कैसे भोग लगाते थे, वो सोचता था ठाकुर जी आ करके जैसे हम भोजन करते ना बैठी करके, लेकिन जब बोले ठाकुर जी भोजन करो, ठाकुर उतर नहीं रहे। बोले ठाकुर जी, क्योंकि भगवान भक्ति के बस ठाकुर जी, प्रेम के भूखे ठाकुर जी। जब वो सरज में छलांग लगाने जा रहा था, हनुमान जी को बोले बेटा जल्दी जल्दी पकड़ करके ले आ। बोले ठाकुर भोजन कर रहे थे, इतने हनुमान पीछे पकड़ लिए। बोले ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं। बोले हाँ, सचमुच से आकर देखा भगवान राम पहले भजन की,
लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी फिर इसने भोजन की। जब उसने दो चार दिन सेवा की ना, रोज गांव में जाओ भीख मांग करके आटा लाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, लकड़ी लाओ, कितने एक व्यक्ति छोटा बच्चा, दो चार दिन बाद में बोले ठाकुर जी पड़ेगा, बोले सब कुछ देखभाल आप कर लेना, बोले मैं तो यही काम किया। माँ लक्ष्मी बोली सीता मुझे क्या कर, बोले घर की माँ क्या करती है, रोटी बनाती है, चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, बोले बेटा 14 साल तुम यही काम किया है, अभी ये केवल भिक्षा करके ले आते हैं, और इतने बढ़िया सेवा चल रही थी। कुछ दिन बाद में गुरु जी के एक पत्र आया, बोले रामदास मेरे साथ में कुछ सारे अन्न व्यंजन बना हुआ था, बोले इतने सारे भोजन कौन बनाया, देखा माँ लक्ष्मी कोने में बैठ करके सोए भोजन बना रही थी। इतने में माता सीता जब गुरु जी को दर्शन किए, उन्हें थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुराई और वही अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी ने पूछा बेटा ऐसे कैसे हो गया, पुनर्जन पाए, ठाकुर जी बड़े लंबे चौड़े थे, बोले ठाकुर जी हमसे नहीं हो पाएगा, इतने लंबे चौड़े हम कैसे सेवा करेंगे, बोले कोई चिंता मत करो, सवेरे आकर देखना मैं बैठी, ठाकुर देखोगे एकदम पद्मासन करके ठाकुर जी बैठे हुए उसकी सेवा लेने के लिए। और एक ठाकुर जी है साखी गोपाल, साखी गोपाल नाम क्यों पड़ा, ये ठाकुर जी पहले थे वृंदावन में, दो ब्राह्मण में किसी बात को लेकर विवाद हुई तो किसने बोला था तेरे को शादी देंगे नहीं दिया, तो ठाकुर जी चल चल करके वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक ठाकुर जी पहुंचे साखी देने के लिए, इसलिए वो ठाकुर जी का नाम साखी गोपाल है उनका नाम है। बड़ी सुंदर उनकी कथा है, समय नहीं इसलिए बोल नहीं रहा हूं, इतनी कथा। और थोड़ी दूर पहले एक स्थान का नाम है, कहते हैं खीर चुरा गोपीनाथ है, जिस विग्रह को राम स्वयं कृष्ण को बनाए, ये विग्रह कभी देखे नहीं होंगे। जब भगवान वनवास में थे एक दिन आंधी तूफान आ गई, प्रभु का अपना तीर से उन्होंने बना रहे थे। जब 4 दिन हो गया मैया सीता को सहन नहीं हुआ, बोले अभी दिखाओ, वो पत्थर गोबर में ऑलरेडी ठाकुर जी बन चुके थे, जब उन्होंने निकाल करके लाए उन्होंने कृष्ण स्वरूप को दिखाया, जो प्रभु राम स्वयं अपना हाथों से जो कृष्ण बनाया, केवल पृथ्वी में कृष्ण को बनाया वो विग्रह वहां पर है, उनका नाम है खीर चोरा गोपीनाथ, नाम खीर चोरा, तो जो खीर को जो चुराया, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर उड़ीसा में। इस बार आप लोग प्लानिंग करो, ठीक है, क्या प्लानिंग, रथ यात्रा के समय में आओ, दूसरे समय में नहीं जा करके, महाप्रभु बड़ा सुंदर स्थान है। बताओ तो कौन कौन जगन्नाथपुरी आएगा, हाथ उठाओ तो, अरे हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्या चक्कर है, देखो जब तक इच्छा नहीं करोगे ना तब ठाकुर कहते हैं ना व्यवस्था करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी पैसा को ना थोड़ी थोड़ी पैसा को छुपा छुपा कर रखो, माताएं जो खर्चा पानी के लिए लेते हो ना, थोड़ी थोड़ी पैसा रखो जगन्नाथपुरी के लिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। और विशेष करके मैं भी भगवान का नाम, आप लोग मेरे पीछे पीछे एक श्लोक को बोलो, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम, स्तम नमामि हरि परम। ये भागवत का अंतिम श्लोक है, बोले भगवान का नाम संकीर्तन से ही समस्त पाप उसी से ही दूर होगा, परम शांति परम आनंद, केवल कथा सुन रहे हैं इसका क्या रहस्य, मेरे गुरु जी सुनाते थे। बोले एक समय कोई किसी राज दरबार में कोई संत राजा से मिलने, कोई दरबार था, बोले अंदर में राजा क्या है, बोले है, बोले उनको बोलो कोई संत कोई विशेष काम लेकर के आए, 1 मिनट आपके पास में समय चाहते हैं। राजा सोचे संत क्यों आते हैं, कुछ भिक्षा लेने के लिए आए होंगे, तो उन्होंने 101 रुपया निकाले, बाबा बताओ आपकी हम क्या सेवा करें। बोले रानी आप ध्यान देकर सुना, मैं कोई विशेष जरूरी काम राजा से 1 मिनट मिलने के लिए, लेकिन राजा मेरे से मिले ही नहीं, बोले मुझे बताओ मैं ही सेवा कर दूंगी, बोलो क्या बात है। बोले रानी मैं भजन करते करते
अपना दिव्य दृष्टि से देखा है जो राजा ये 7 दिनों में मरने वाला है। अभी नई नई शादी हो गई, जरूरी काम है, राजा तो सारे काम को फेंक फेंक कर खाए भागते भागते। बोले रानी ऐसे क्या काम पड़ गया, अभी अभी तो मैं ऑफिस में गया था। बोले कोई बोले हाँ, बोले कि आपसे मिले, बोले समय नहीं था। बोले महाराज शास्त्र कहता है भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत्समागम, कहते ब्रह्मांड भ्रमण करते करते जीव का जब उसका नहीं हमें परम शांति परम आनंद का समय, बोले तहीर अच्युत सत्समागम तभी जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। सत्समागम जहीर तदैव परावरेश जाए तो रति, कितना बताया 7 दिन में मरने वाला। बोले हाँ, बोले सत्य है, बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिन में ही मरोगे। राजा तो घबरा है, बोले कोई चिंता मत करो, अपने बहुत दान पुण्य की इसलिए आपके लिए अक्षय स्वर्ग मिलेगी। लेकिन महाराज स्वर्ग में सारे सुख मिलेगा, एक चीज की कमी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर है, जब आप सो गए ये मच्छर काटते रहेंगे। बोले चिंता मत करो, वहां मच्छर दान का व्यवस्था है। लेकिन और एक चीज कमी, बोले किस चीज की, बोले मच्छर की कोने में एक छोटा सा छेद है, उधर से मच्छर घुसने का चांस। बोले फिर क्या, जब मरो ना एक सुई धागा लेकर चलना, बस इसको सिलाई कर दो, आनंद से सोओगे। बोले इतने जो राज्य है बड़ा है, जिसमें तू इतने बिजी हो, कोई संत आने पर 1 मिनट समय नहीं, लेकिन मरते समय एक सुई धागा भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं। यही तो नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है सब कोई।